tanta consigo a Lord. Yo canto aquí es. Es el que inspira, entonces, usted con se inspira. Sabigo, good morning. Good morning, all. Good morning, ma'am. We'll start now. Good morning. Good morning, madam. Good morning. Good morning, madam. Good morning. Good morning, madam. Good morning, good morning. Any questions? So there are many factors which affect academic performance during this stage of adolescence. In that context, we were discussing about interpersonal, intrapersonal, institutional factors, and there are also other factors like socioeconomic variables, parents' education, and their occupation. And also we have seen gender stereotypes, cultural and religious beliefs.
which can affect the academic achievement of the adolescent, है ना? एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में जब बात कर रहे थे, देर इज ऑल्सो इंटरेस्ट विच कैन इन्फ्लुएंस देयर एकेडमिक अचीवमेंट. ये तो हर सारे टीचर्स का यही होता है कि उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए बच्चों का पढ़ाई में. इंटरेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस. बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है उसमें इंटरेस्ट अगर बच्चों का लगा रहे तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है. शुरू कर दिया, आज बहुत कम टीचर्स आए हैं, बाकी सब ज्वाइन करेंगे आज का इतना. हाँ मैडम, स्टार्ट रखें. हाँ स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास. वो आप बाकी लोग आते रहेंगे. ठीक है जी. दूसरा रहा स्टडी स्किल. एक तो हो गया इंटरेस्ट, दूसरा रहा स्टडी स्किल. जब टीचर जब स्टूडेंट्स क्लास में हायर क्लास में जाते हैं उनका रूटीन चेंज हो जाता है, कोर्स करिकुलम डिफिकल्ट हो जाता है, स्कूल उनको एक्सपेक्ट करता है कि वो अच्छा करके एग्जाम में अपना नाम कमाए, स्कूल का नाम रोशन करे, ये सब उन पे फिर भारी पड़ता है, उन पे स्ट्रेस, उनको स्ट्रेस दिलाता है. सो वो क्या करते हैं, ये सब अचीव करने के लिए दे अडॉप्ट लर्निंग स्ट्रैटेजीज और स्टडिंग स्किल्स. वो कौन सा स्किल अपनाए, कैसे स्ट्रैटेजिकली वो अपना पढ़ाई का वो प्लानिंग करे ताकि उनका अचीव हो जो गोल वो सेट कर रहे हैं. सो दीज स्किल्स आर लाइक नोट टेकिंग, टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए, टेस्ट टेकिंग, रिटन एक्सप्रेशन, टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सबका पढ़ाई का स्टाइल अलग होता है. किसी को विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसको देखा है उनको ज़्यादा मेमोरी उसका उस चीज़ का रहता है. किसी को काइनेस्थेटिक का कोई, किसी को अगर पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, टीचर ने कभी बुलाया था सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पे, तो वो उनको याद रह जाता है, वो मोटिवेटेड फील करके उसी चीज़ को बार बार जाके प्रैक्टिस भी करते हैं. मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो इसी जो मोटिवेशन जो मिलते हैं इसी के चलते बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है पढ़ाई में. टाइम मैनेजमेंट इज अनदर फैक्टर. जैसे मैनेज किसको करते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल होता है उसी को मैनेज करते हैं. सो टाइम पे हमारा कंट्रोल होता है. सो जैसे पैसा हो गया, पैसा पे कंट्रोल करना, एनर्जी पे कंट्रोल करना, किस चीज़ के लिए हम टाइम देते हैं उसको भी हम ऐसे रिसोर्स की तरह मान के उसका हम सही उपयोग कर सकते हैं. ठीक है ना? सो प्लानिंग द सेशंस, कितना पढ़ाए, कितने दिन में करें, स्पेसिफिक काम अगर है तो उसको कितना टाइम दे के ख़त्म करें, ये सब गिवन टास्क के लिए कितना टाइम रखें, ये सब रिसर्च ने दिखाया है कि स्टूडेंट्स को जो पर्पसफुल लगे, जो उनको अपना हित में लगे, वो उसके लिए टाइम मैनेज करके निकाल सकते हैं उसके लिए टाइम. सो उनको बस यही फोकस करने की ज़रूरत होती है और मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत होती है. सो टिप्स क्या है टाइम मैनेजमेंट के लिए, देर आर टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट इन जैन स्कूल्स. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज अ कैलेंडर टू प्लान बिफोर हैंड. देन एवरी डे एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, फिर जब होता चलता है काम टिक मारते रहना है उसमें. एक ABC मेथड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग है, जिसमें ए है जिसको आज ही कंप्लीट करना है उसको ए लिस्ट में डाल दिए, बी लिस्ट में है अगर आज ख़त्म हो जाए ये काम तो अच्छा है, और सी है जो उस लिस्ट में जो कल किया जा सकता है. सो ABC रूल फॉलो करके आप मेथड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग कर सकते हैं. ठीक है,
और वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम. दिस आर द टेक्निक्स विच कैन बी यूज फॉर टाइम मैनेजमेंट इन द स्कूल. सो टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक्स. एक साथ अगर दे कंटिन्यू सिटिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम देन उनका ध्यान कहीं किधर चला जाएगा. इसीलिए दे शुड बी टेकिंग फ्रिक्वेंट ब्रेक्स. सेट अ डेडलाइन एंड गोल ऑल्सो फॉर अचीविंग. टाइम शुड बी ट्रीटेड लाइक मनी. मनी जैसे एक्सपेंसिव होता है टाइम शुड बी ऑल्सो एक्सपेंसिव फॉर द स्टूडेंट्स. दे शुड बी प्लानिंग अहेड सो दैट दे डोंट वेस्ट टाइम इन प्लानिंग 100 टाइम्स अ डे. So they have to be realistic about time. So this is about time management in the schools. And how to cope with the challenges of academic workload. ये तो time management हो गया लेकिन academic workload जो है वो तो कम नहीं होगा. उसको बस खत्म करना है. जो academic के लिए उनको खत्म करना है. Chapters के हैं बहुत सारे. Problem solve करने को है. So ये इतना सारा पढ़ाई का the students perceive it as a very stressful activity and demanding activity. So they वो लोग क्या करते हैं वो report करते हैं कि ये उनको stress दिलाता है हमसे हो नहीं पा रहा है. External pressures भी होता है. Self-imposed उनका expectations खुद से भी रहता है कि मेरा इतना आ जाए मैं मुझे अच्छा लगेगा. So self-imposed restrictions expectations खुद पे जो है ऊपर से पेरेंट्स एंड टीचर्स का भी एक्सपेक्टेशंस रहता है. सो दे फील वेरी स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग स्कूल पीरियड ऑल्सो. उनको एडजस्टमेंट का इश्यू होता है बिकॉज ऑफ सच स्ट्रेसफुल डिमांड्स ऑन देम. सो जो कोपिंग मैकेनिज्म वो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट. वेदर द कोपिंग मैकेनिज्म दे आर यूजिंग इज द राइट वन. ठीक है. सो मोस्टली द स्टूडेंट्स कोप विद द डिमांड्स अंडर रिएक्शंस. वो ये सब जो एडजस्ट करते हैं उनका रिएक्शन भी आता है उसके लिए. गुस्सा करना ज्यादा वो झगड़ा करना गुस्सा दिखाना सिली बिहेवियर दिखाते हैं कभी कभी. अपना फेलियर छुपा के रख लेते हैं. केयरलेस हो जाते हैं कभी कभी. क्लास में बदमाशी करके जोकर बन जाना बदमाशी करना ये सब उनको स्ट्रेस का रिएक्शन होता है ये सब. सो ये सब सॉल्व करने के लिए देर आर मेनी टेक्निक्स दे अडॉप्ट. एक तो है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग. उनको जो प्रॉब्लम होता है उस पर फोकस करके कोपिंग स्ट्रैटेजी अपना शुरू करते हैं. दूसरा है इमोशन बेस्ड कोपिंग और एक है अवॉइडेंस बेस्ड कोपिंग. तो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में क्या करते हैं जो टास्क दिया हुआ है उनको जो टास्क उनको कंप्लीट करना है उसी को इन्वॉल्व करके दे टेक डायरेक्ट एक्शन टू चेंज द सिचुएशन और टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन और उसके हिसाब से अपना स्ट्रेस कम कराते हैं प्रॉब्लम को फोकस करके. दूसरा जो टेक्निक होता है वो है इमोशन बेस्ड कोपिंग. एक सिचुएशन कितना इमोशनल करता है उनको तो इमोशन जो ज़्यादा हो जाता है गुस्सा आता है रोना आता है उसको चेंज करने के लिए वो कोपिंग स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं. किसी के साथ बात करेंगे स्ट्रेस जो होता है फील करते हैं तो वो उसको एक्सप्रेस करेंगे. तो उसको रेगुलेट करने के लिए इमोशनल रिस्पॉन्स जो उनका होता है वो भी एक कोपिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं. दूसरा है अवॉइडेंस बेस्ड कोपिंग. वो इसको इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है किसी किसी के लिए तो वो अवॉइड करते रहते हैं. इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द स्ट्रैटेजी हैंडलिंग एंड अडॉप्टिंग अ स्ट्रैटेजी दे स्टार्ट अवॉइडिंग इट. अवॉइडेंस ओरिएंटेड कोपिंग इंक्लूड्स अवॉइडिंग द सिचुएशन ओनली. उनको करना ही नहीं है वो पढ़े रहते हैं एग्जाम के लिए बुक्स खुले पड़े रहते हैं पढ़ाई नहीं करते हैं. ये अगर डेट निकला है तो एग्जाम का वो उसको उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं जैसे वही ऐसे बिहेव करते हैं. सो दिस इज द कोपिंग स्ट्रैटेजी फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट. देन कम्स सेल्फ वर्थ.
सेल्फ वर्थ ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, इम्पोर्टेंस जो है सेल्फ वर्थ का एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत होता है। जो बच्चे अपने आप को खुद समझदार समझते हैं, दे वुड लाइक टू डू वेल इन द एग्जाम्स, और एकेडमिक परफॉर्मेंस उनको हाई आना जरूरी होता है। सो वो सजेस्ट करते हैं कि कंपेयर करके स्टूडेंट्स कैन बी मोर कंसर्न विद द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ देन लर्निंग। So he talks about negative reactions. Negative reactions बहुत सारे होते हैं, जैसे defense mechanism use करते हैं, defensive pessimism हो जाते हैं, sandbagging, self handicapping, procrastination, cheating, ये सब negative reactions होता है। Cheating में copy करते हैं, procrastination में वो बस उसी के बारे में बात करते रहते हैं, टिल द लास्ट मोमेंट वो करते नहीं है, बस बात करते रहते हैं। सेल्फ हैंडीकैपिंग सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं, अपना पुअर परफॉर्मेंस के लिए वो खुद रीजंस देते हैं जो इतने सॉलिड नहीं होते हैं, फिर भी। और दूसरा है एक डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में वो क्या बोलते हैं, उनका अगर खराब हो जाए, मैथ्स का पेपर खराब हो गया, तो बोलेंगे कि वैसे भी मुझे मैथ्स लेके कोई कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो ठीक है खराब हो गया तो मुझे इतना दुख नहीं है। दिस इज द डिनायल मोड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। देन करियर डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जो करियर बनाते हैं, करियर के बारे में सोचना, हाई क्लास होने से सब पूछना शुरू कर देते हैं, फिर इसके बाद क्या करोगे तुम, क्या बनना चाहते हो, तो उसका जवाब में उनको भी स्ट्रेस होता है। सो करियर डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। करियर के बारे में डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क उनको लगता है। एडोलेसेंस टिपिकली उनका जो करियर रिलेटेड डिसीजन होता है हाई स्कूल में ही लेते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन फॉर लाइफ एंड एडोलेसेंस। स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ करियर इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय different factors like personal factors, cultural ethics and values, career expectations, family background, freedom of opting desired professional field and career guidance, ये सब उनका important होता है। तो इसमें फिर problems क्या हुआ, problems in career decision making, career choice जो बनाते हैं उसको बहुत सारे parents, जैसे कल किसी teacher ने बोला था कि parents ही बोलते हैं कि तो बाकी सब बेकार है, तुम बस डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये खेल कूद में क्या रखा है, जबकि वो बच्चा खेल कूद में अच्छा हो या अदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होता है उसमें अच्छा हो, लेकिन उसको दिया नहीं जाता है चांस वो सब करने के लिए एज अ करियर चॉइस। मैडम स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा बना के रखा जाता है कि यहाँ डॉक्टर इंजीनियर ही पैदा करना है। हाँ नवोदय सिस्टम का ये है कि यहाँ पे मतलब ये चाहते कि डॉक्टर इंजीनियर ही बने बच्चा हमारा, जबकि इनको ये नहीं मालूम कि स्पोर्ट्स में, आर्ट में, म्यूजिक में इतना पैसा है, इतना फेम, नेम और फेम दोनों है। हाँ, जितना पैसा एक डॉक्टर जिंदगी भर में कमा पाता है उतना ये 5 साल में कमा लेते हैं। वेरी ट्रू, लेकिन वो सबको तो मतलब ये रिस्क टेकिंग हो जाएगा इनको, फिर ये तो रिस्क लेने जैसा कारोबार हो जाएगा उनके लिए, पेरेंट्स के लिए, कब वो नाम कमाएगा, वो क्लिक करेगा कि नहीं, उनको डर लगा रहता है, सारे करते हैं मतलब मेरा बच्चा भी करेगा, वो नहीं मानेंगे। पर मैडम क्या होता है, आर्ट हुआ, म्यूजिक हुआ, ये मतलब ये गॉड गिफ्टेड होता है, हर किसी को नहीं होता, हर बच्चे में नहीं होता ये। बिल्कुल सही, है ना। लेकिन सर ये भी तो है कि लोग आजकल ऐसा बिलीव कहाँ करते हैं, मालूम है कि डॉक्टर बन जाएगा, लीट निकाल लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, बाकी जगह का तैयारी करेगा, करता ही रहा, कुछ नहीं निकाल पाया। पेरेंट्स का प्रेशर इसलिए है कि उन्हें उसमें प्रेडिक्शन में कंफर्मेशन दिखती है।
अगर नीट निकालेगा तो डॉक्टर बनेगा तो बैठेगा, कुछ पैसे कमाएगा ही कमाएगा, लेकिन यदि यहाँ पे निकाल के कोई रिस्क नहीं कवर, माने नहीं आगे कुछ कर पाया फिर तो लोग, जबकि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप आपका जो टैलेंट है उस हिसाब से काम करिए, लेकिन पेरेंट्स का कंसर्न नहीं है उतना। अपने आसपास ना वही बिलीव करते हैं, वो अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, देखे हुए बात को ज्यादा बिलीव करते हैं, ना कि वो अपना कुछ सोच के उस पे बिलीव करते हैं, देखे नहीं है कभी। ऐसा भी है मैम कि जैसे नवोदय विद्यालयों में कैरियर के ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि जैसे बच्चा सिक्स में जब आते हैं तो सिक्स क्लास में बच्चों को सिक्स सेवन में जब आप पूछते हैं तो सभी बच्चे बोलते हैं हम डॉक्टर ही बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, लेकिन टेंथ आते आते जब वो उसको ओरिजिनली मतलब लाते हैं तो उन्हें समझ में आता है, तो बहुत से लोगों के कैरियर तो टेंथ के बाद ही टूट जाते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट वो ऑप्ट ही नहीं कर पाते आगे जाके। सही बात है, उतने प्रेशर को वो झेल नहीं पाते और उनका उतना अच्छा समझ का दायरा भी नहीं बन पाता। क्योंकि उनको सपोर्ट भी तो उतना नहीं मिलता है ना जी, इतना सपोर्ट नहीं मिलता है उसमें करियर बनाने के लिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे जाना चाहिए उसके बारे में, ये सब उनको पता नहीं होता है। जैसे स्कूल में पता होता है कि इसके बाद कोचिंग जाओ, कोचिंग में वो आप वो क्रैक करो, जेईई दो, ये सब उनको स्टेप्स मालूम है, इन सब के बारे में स्टेप्स बताने के लिए कोई है नहीं। नहीं मैडम, और गवर्नमेंट का मतलब ऐसा है कि कोचिंग वालों का ऐसा है कि कोचिंग वाले स्कूल में हमेशा मड़राते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते ही रहेंगे कि नहीं हमारी कोचिंग में आइए, हम फीस माफ कर देंगे, टेस्ट लेंगे, ऐसा है, तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते और वो अपने पेरे बताते हैं कि हाँ वहाँ चले जाएंगे, यहाँ कोचिंग तो जैसे स्कूलिंग से भी ज्यादा बड़ी हो गई आजकल। वो तो है, वो करते हैं कोचिंग, ये चारों तरफ देखते हैं जो वो सब एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में ही बात करते हैं, कोचिंग वाले आ जाते हैं वो भी वही बात करते हैं डॉक्टर इंजीनियर, पेरेंट्स को देखो तो डॉक्टर इंजीनियर के बारे में बात करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा जो चॉइस है वो कहाँ गया, वो है तो भी उसको छुपा के रखते हैं, बोल देंगे तो उनको खराब लगेगा, माँ बाप को दुखी हो जाएंगे, माँ बाप पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, टीचर्स गुस्सा करेंगे, ये सब उनके मन में बैठ जाता है, इसीलिए वो कर नहीं पाते हैं। जैसे अभी अभी देख रहे हैं, अभी नाउडेज एक नया कल्चर देख रहे हैं, डमी क्लासेस, एडमिशन ले बस चलता रहता है, किसी न किसी बहाने लीव ले लेते हैं या कहीं और एडमिशन और कोचिंग करने चले जाते हैं, और सिक्स सेवन ईयर्स से जो टीचर्स हम लोग बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं हमारी बात पे उतना कंसर्न नहीं करते जितना कोई कोचिंग वाले आके उनको एक दो घंटे में समझा जाते हैं, तो वो बस वो चीज बहुत जल्दी समझ जाते हैं। क्योंकि उनके पास सलूशन है, उनको लगता है कोचिंग वाले आके ऐसे बात करते हैं जैसे वो तुरंत कर ले, जैसे जॉब दे ही दिया है, मतलब लेके जाएंगे और फिर वापस डॉक्टर बना के ही लाएंगे। वो इतने कन्विंसिंग वे में उनको बोलते हैं, वो भी उनका टेक्निक होता है, मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, ये सब उनको नहीं पता चलता है बच्चों को। वही सोचते रहते मैडम हम लोग भी कई बार कि बच्चा सिक्स ईयर हमारे पास रहता है और एक घंटे के उनके प्रोग्राम से वो उनके साथ बिल्कुल 100% सेफ्टी के साथ चला जाता है। अच्छे अच्छे बच्चे मैडम टेंथ क्लास के आने वाले आठ घंटे छोड़ देते हैं। मैं कुछ बोलूं मेरे पास एक एग्जांपल है मैडम, हमारे दो स्टूडेंट थे, एक ने बहुत अच्छी इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर बन गई, एक नर्स बनी वो पढ़ लिख के, अगर वो भी कहीं और होती, वो कहीं ना कहीं मैडम एजुकेशन अब ज्ञान से उतना ज्यादा नहीं है, वो मनी ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है। यदि शिक्षा से पैसा कमा पा रहे हैं तब तो शिक्षा ठीक है, नहीं तो शिक्षा की उतनी वैल्यू उन्हें बड़े होने के बाद समझ में नहीं आती। वो बच्चे भी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनके बैकग्राउंड में तो कोई म्यूजिक में कि कोई डांस में नाम नहीं कमाया है, इसीलिए उनको भी अपना रिस्की लगता है
मैं अपना अगर मन मान के करूं तो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बाकी सब क्या बोलेंगे, ये खुद का भी डर बैठ जाता है फिर सबसे नेगेटिव में सुन सुन के ना। जी मैडम जी, उनको भी खुद को डर लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करूं, फिर वापस कैसे किसको बोलूं कि पापा तो बोल रहे थे ऐसे जाने के लिए, मना कर रहे थे, मैं तो खुद अपने आया, मैं कुछ नाम कमा नहीं पाया, तो उनको वैसे भी डिप्रेशन होता है ये सब सोच सोच के, क्योंकि अपना मान के चलो तो उनको ये सब फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए वो जरूरी नहीं है कि वो तैयार हो, है ना। ये तो उनको समझाना पड़ेगा ना मैडम, ये अगर सर बोल रहे हैं कि कोचिंग वाला एक घंटे में कन्विंस करके चला जाता है, तो मैं तो कहता हूँ हम लोगों की ही गलती है कि हम 6 साल में क्यों नहीं समझा पाए बच्चे को, एक घंटे में वो क्या समझा दिया। मेरी पहली ज्वाइनिंग है, मैं नया नया इधर अभी 2-3 सालों से ज्वाइन किया हूँ, और मैं जब से आया हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसको मुझे करना है, और मैं अपने यहाँ से हर साल हर सेशन में 12th के बाद में 2-3-4 बच्चों को लगातार पिछले 3 सालों से खैरागढ़ म्यूजिक फील्ड में भेज चुका हूँ। उस तरह अच्छा। से हमने उनको समझाया, उनको बताया, और माँ बाप हो या बच्चे हो या कोई भी हो तो प्रेशर कितना भी डाल रहे हैं, तो आप सब लोग हकीकत जानते हैं कि एक क्लास में कितने परसेंट बच्चे होते हैं जो कि डॉक्टर इंजीनियर आईएएस और ये सब बन जाते हैं। तो बच्चे को बताना है, गार्जियन को भी अगर ज्यादा वो कुछ लग रहा है, मुझे लगता है जो बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है जिसमें इच्छा है, तो फिर उसका मैं डाउट क्लियर करता हूँ कि देखो इस फील्ड में जाओगे तो क्या होगा कैसे होगा, अगर तुम्हें एबिलिटी नहीं लग रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं कर सकते हो, बड़ा अधिकारी नहीं बन सकते, उतना तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, एकेडमिक बढ़िया नहीं है, तो शॉर्टकट उपाय लगाओ, कम मेहनत में, कम पढ़ाई में, कम खर्चे में, तुमको म्यूजिक करने के बाद बीएड भी अलग से नहीं करना है, अगर कुछ कैरियर नहीं बन पाया, करोड़ों का सपना नहीं पूरा हुआ, तो अच्छा जॉब तो पा सकते हो। देखो बहुत सारे लोग पा रहे हैं, हमारे कई सारे स्टूडेंट हमारे इंडक्शन में थे, नवोदय विद्यालय के ही, नवोदय से म्यूजिक पढ़े सीखे, आगे म्यूजिक सीखा और तुरंत उनकी जॉब लग गई। इस तरह से एग्जाम्पल पेश करने पे बच्चों को काउंसलिंग में और उनका विजन क्लियर करने में जरूर हेल्प मिलेगी, और हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है। मैं तो इनफैक्ट इस साल से मैडम से अपने मिलके मतलब कन्विंस करके उनको सीबीएसई को लेटर भी लिखवाया है हमारे यहाँ, क्योंकि एनईपी 2020 में म्यूजिक को भी बहुत वो कर दिया है ना, आर्ट को म्यूजिक को, उनको भी एक सब्जेक्ट के रूप में लेके पढ़ सकते हैं। तो इधर से मैं अपना वो करवा रहा हूँ म्यूजिक का, इधर से अभी 11th-12th में बच्चों को म्यूजिक भी दिलवाऊंगा, जैसे वो हिंदी और बाकी चीजें मेन सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। सही बात, तो उस तरह से समझाएंगे, कन्विंस करेंगे तो जरूर फर्क होगा। और अचानक से नहीं हो जाएगा कि हम लोग तुरंत कोशिश किए और फिर हमारे सभी बच्चे साइंस वगैरह छोड़ छोड़ के, क्योंकि हमारे देश में क्या एक ट्रेडिशन चली आ रही परंपरा, उनको कुछ लगता नहीं, वो अब तो थोड़ा बहुत ये सब आर्ट वगैरह म्यूजिक कलाकार ये सब होने लगा ना, महत्व दिया जाने लगा, प्रचार होने लगा, लोग जानने समझने लगे, तो पहले तो बस लोग बस यही जानते थे साइंस आर्ट साइंस आर्ट साइंस आर्ट, बीच में थोड़ा सा कॉमर्स, ये पढ़ेंगे तो हम उधर चले जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे, ये पढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, सभी बन जाते हैं क्या। मैडम को कंटिन्यू करने दीजिए, ये तो एजुकेशन सिस्टम की बात है, जो सिस्टम अगर हमारे कंट्री में नहीं बना है तो उसकी इम्पोर्टेंस कम रहेगी, ठीक है। लेकिन तो नया एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविजन किया गया है सर, ठीक है, बिल्कुल किया गया है, जब तक ये सब्जेक्ट सब स्ट्रीमलाइन नहीं होंगे तब तक इसका इम्पोर्टेंस लोग नहीं देंगे। मैडम को कंटिन्यू करने दीजिए, जरूर देंगे, ये चलते रहेगा, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। Then the factors which contribute to career indecision, ये तो decision लेने में क्या क्या help करता है वो देख लिए हम, interest हो गया आपका, time management हो गया, ये सब। और factors ऐसे भी है कि inadequate family support, जो family support नहीं दे पाता है क्योंकि family में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, और problematic interaction between pattern and attachment, करियर रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, सोशल सपोर्ट परसेप्शन नहीं होता है, सेल्फ एफिकेसी और बिलीफ्स रिगार्डिंग वंस करियर प्लानिंग वो भी नहीं होता है, आइडेंटिटी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एंजाइटी, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये सब उनको मतलब ये फैक्टर्स है जो इनडिसीजन कराते हैं बच्चों को, बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं, एंजाइटी हो गया उनको, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल एक चीज है जिसमें ये बच्चे सोचते हैं कि मेरा कोई कंट्रोल है ही नहीं सिचुएशन पे, बाहर जो सिचुएशन है
माँ बाप जो बोलते हैं मुझे वही सुनना पड़ेगा, पेरेंट्स जो बोलते हैं, टीचर्स जो बोलते हैं, जो मुझे अवेलेबल है उसी पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, ऐसे भी सोच के उनका करियर चॉइस बर्बाद करते हैं क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एक है करियर डिसीजन मेकिंग टैक्सोनॉमी, एक है उसमें क्या है, तीन फैक्टर्स है, सब कैटेगरीज है। एक है लैक ऑफ रेडीनेस, जो लैक ऑफ रेडीनेस, एक है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और दूसरा है इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। जो डिसीजन मेकिंग उनका होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इंफॉर्मेशन जो उनको मिलता है एक दूसरे के साथ किसी का कोई लिंक ही नहीं होता है, इसीलिए वो कंफ्यूज होकर डिसीजन नहीं कर पाते। और एक है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफिकल्टीज उनको तब होता है जब सफिशियंट इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलता है और डिसीजन बनाने में उनको दिक्कत होती है। ये डिफिकल्टीज जो होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। और एक है लैक ऑफ रेडीनेस, वो रेडी ही नहीं है डिसीजन लेने के लिए। ये सब कैटेगरीज हैं जो करियर डिसीजन मेकिंग में वो तनाव डालते हैं। देन आता है रोल ऑफ सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड करियर चॉइसेस। सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गया आपका जैसे घर पे क्या बोलेंगे, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिलीज भी होते हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की फैमिलीज भी होते हैं। जब लोग स्कूल आते हैं ये लिटरेसी गैप अपने पेरेंट्स का इतना ज़्यादा होता है कि उनका करियर चॉइस भी उसके हिसाब से बहुत ही अलग अलग होता है। कहीं कहीं तो ड्रॉपआउट्स भी निकलते हैं। आपके स्कूल में देखा होगा कोई बच्चा घर पे गया था और आया ही नहीं क्योंकि घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हुआ है आपके स्कूल में? घर पे गया फिर पेरेंट्स बोले कि नहीं हम उसको भेजेंगे नहीं, भेज नहीं पाएंगे, कुछ अपना प्रॉब्लम है, ऐसे भी होता है कभी कभी, बहुत रेयरली होता है लेकिन होता है ड्रॉपआउट्स का केसेस होता है मैडम, बहुत सारा होता है। मैम एक बच्ची के साथ हुआ था। हाँ सर आप कंटिन्यू कीजिए पहले। ठीक है। हाँ मैडम, मैं जब मेरी जब सुकमा में पोस्टिंग थी तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था, वहाँ पर होता ही है, वो पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाहते कभी कभी, और कुछ ऐसा उनका परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है वहाँ पर सुकमा में, ट्राइबल बेल्ट ज़्यादा है तो बच्चे स्कूल के प्रति उतना आकर्षित नहीं होते हैं। हमको बच्चों को जा करके लाना पड़ता था जबरदस्ती, हमारे यहाँ खाने का ये फैसिलिटी है, ये आपको मिलेगा, ये प्रोवाइड करेंगे, तब बच्चे किसी तरीके से एडजस्ट हो पाते थे। जी। क्योंकि वो सोशल क्लास डिफरेंट होने से ये करियर इन्फ्लुएंस भी उनका होता है। सोशल क्लास दूसरा है तो पेरेंट्स का तो इतना समझ में नहीं आता है कि ये बड़ा होके जो बनेंगे बोलेंगे वो सच में बन पाएंगे कि नहीं, उनको विश्वास नहीं होता है तो वो अपना करंट प्रॉब्लम्स देख के उनको रोक लेते हैं, नहीं आज तो जमीन पे काम करने के लिए कोई है नहीं, बेटे को बेटा है। तो अच्छा हमारे यहाँ सेवेंथ क्लास में मैडम साल भर तक नहीं आया था, एट्थ में जब मैं उसका क्लास टीचर हुआ तो मैं उसको गया उसके घर में जा करके काउंसलर मैडम के साथ जा करके जबरदस्ती उसको लेकर के आए थे। अभी बच्चा वो बच्चा 11th में है। अच्छा वो नहीं तो आने के लिए एकदम एग्री नहीं था, पेरेंट्स भी उतना सहयोग नहीं कर रहे थे, हम लोग जबरदस्ती लाए कि इसका करियर बन जाएगा। जी ये डिफिकल्टी है जनरली स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो कम लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं तो उनको गाइड करने वाला घर पे जिसे आसपास देखते हैं वे उनको इतना एग्जांपल नहीं मिलता है कि कोई नहीं हमारे मिलता है। जी जी जी। खास करके ट्राइबल बेल्ट में मैडम ज्यादा। इसीलिए उनको ये कोई एनकरेज करने के लिए होता ही नहीं है, स्कूल कैंपस में बस देखते हैं जो वो सही लगता है उनको, फिर घर पे जाओ तो फिर बैक टू द सेम सिचुएशन उनका हो जाता है। मैम हमारे स्कूल में एक बच्ची थी 9th क्लास में एंड शी वाज सो इंटेलिजेंट, लेकिन उसके जैसे कोरोना टाइम में उसके बाबा की डेथ हो गई थी। अच्छा। और उसके पापा भी काफी बीमार रहे थे तो वो लड़की उस वजह से इतनी डिप्रेशन में चली गई और उसका जो लास्ट पेपर वो उसमें शायद वो 5 नंबर का पेपर छूट गया तो उसके बाद मतलब वो हॉस्टल में आके बेहोश हो गई, वहीं पे क्लास में बेहोश हो गई। उसके बाद हॉस्टल में आके मतलब उसको बहुत कन्विंस किया कि बेटा कुछ नहीं होता है, मार्क्स इतने वैल्यू नहीं रखते हैं, तुम
खैर वो लड़की चली गई, उसके बाद घर चली गई, और फिर वो नाइन्थ ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन उसके बाद भी उसने वो टेंथ में एक भी दिन फिर स्कूल उसने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर उसको एग्जाम्स नहीं दिलाए गए क्योंकि उसकी अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं थी स्कूल में। तो पेरेंट्स आए थे कि बोर्ड का एग्जाम देने के लिए, और वो पता चला बाद में कि उस लड़की का बहुत इलाज चला जगह जगह, मतलब ले जाकर उसको, तो मतलब उसकी माइंड स्टेट समझ में नहीं आती। वो फैमिली जैसे उसका अफेक्शन था बाबा से, कि मतलब उसको डर बैठ गया, पता नहीं उसको खुद को भी लगने लगा कि जैसे मैं मरने वाली हूँ, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में वो चले गई बच्ची। कोविड के टाइम पे तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे हुआ जिनके पेरेंट्स चले गए, एक ही पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स किसी किसी के भी चले गए। मैं जैसे एक मतलब इतना गहरा असर पड़ सकता है क्या? हाँ, बहुत पड़ता है, क्योंकि ये एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है ना, जो समझ उनको समझ में नहीं आता है कि किससे बात शेयर करे। नहीं, जैसे तो वो बच्ची मुझसे बहुत अटैच्ड थी, मतलब अच्छा उस टाइम पर क्या हुआ कि मतलब मेरा भी ये रहा कि मैं हाउस मास्टर थी उस टाइम पर, तो मेरा फिर ये चला कि क्योंकि म्यूजिक टीचर है तो म्यूजिक टीचर्स को एज सच बनाते नहीं है, तो सब्जेक्ट टीचर्स जब आ गए थे तो मैंने कहा कि बेटा मैं जूनियर्स की हाउस मास्टर बनूंगी। तो मुझे ऐसा लगा शायद दो तीन चीजें ऐसी हुई कि उसका पेपर वो छूटा, प्लस उसके बाबा जी की डेथ हो गई, फादर बीमार थे, प्लस जैसे स्कूल में उसका मेरे से अफेक्शन था, तो या तो सारी कंडीशंस मिलकर वो इतनी वर्स्ट कंडीशन में वो बच्ची आ गई थी। तो एक दो साल बाद वो मतलब बात हुई मेरी उससे, तो बहुत डिप्रेशन में थी कि मैं मतलब बात कर लिया करें ऐसे करके, लेकिन वो बच्ची शायद पढ़ नहीं पाई दोबारा से। डेथ इन द फैमिली इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द चाइल्ड। हम सोचते नहीं है, बड़े इतने अपने उसमें बिजी रह जाते हैं ना, ये रिचुअल्स जो होते हैं ये सब में बिजी रह जाते हैं, लेकिन बच्चों पे बहुत गहरा असर होता है इसका, स्पेशली पेरेंट्स का डेथ। वो बोलते नहीं, हम सोचते हैं कि बच्चे इतना जुड़ते नहीं होंगे अपने पेरेंट्स से जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से होते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कुछ ज्यादा ही होता है। उसके फादर का भी उसने बताया कि मैम मेरे पापा बोलते रहते हैं कि मरने वाला हूँ, बल्कि फिर मैं उनके फादर को डांटा था, मैंने कहा कि आप तो उस चीज से निकल कर बाहर आ गए हैं, आप तो बड़े थे समझदार थे, आप निकल कर मिलेंगे, लेकिन उस बच्ची ने अपने मन पे इतना असर ले लिया है कि उसने बाबा को खो दिया और वो अब आपको खोने से डर रही है। उसके फादर भी बहुत पछता रहे थे कि मैम गलती हो गई, मैंने कहा देखिए अब गलती तो क्या, उस बच्ची की तो लाइफ स्पॉइल हो गई है, वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रही है, उसकी बहुत थेरेपी चल रही है जगह जगह, लेकिन वो उस चीज से रिकवर नहीं कर पा रही है बच्ची। वो होता है, डेथ इन द फैमिली स्पेशली ऑफ अ पेरेंट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द चाइल्ड। कई कई बच्चे तो पूरा अपना करियर खराब कर लेते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी, उनको मन में नहीं आता है, बिकॉज डेथ इज अ रियलिटी, उनके मन में बैठता है तभी जाके जब देखते हैं किसी का डेथ। जी So some general points that the teacher should consider is they should be clear and consistent in articulating the classroom expectations. Unko kya expectations hai wo clearly bolna chahiye bachon ko. They should focus their attention on individual and collaborative learning goals and help them to achieve these goals. Unko help karte hain. Madam, voice nahi aa rahi. Voice nahi aa rahi. यहाँ पे बारिश हो रही है, so I don't know if आ रही है मैडम, आ रही है, क्लियर आ रही है, आ रही है मैडम, वॉइस क्लियर है। अच्छा ठीक है, सर का टावर मैडम नेटवर्क होगा, so there should be things मैडम, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है, मैंने तो बाकी सबको तो आ रही है, आपका तो नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क का tips for the teachers how to deal with such children. They have to emphasize informative feedback and not comparing or grading the students. Comparison to bilkul nahi karna chahiye bachon ka, jaise parents ko bhi bolte hain hum compare mat karo, waise hi isme bhi unko compare or grading nahi karna chahiye bachon ka. To strengthen liaison with parents and school administrators. Parents ko update karte rehna chahiye school administration
को भी अपडेट करना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कुछ अगर डिफरेंस उनको नोटिस में आए तो वो पता चलना चाहिए सबको. सो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स टू द स्टूडेंट्स, उसमें रीबिल्ड नॉन मोटिवेटेड स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस टू लर्न. जिन लोगों को मोटिवेशन नहीं होता है उनमें मोटिवेशन रीबिल्ड करके उनको विलिंगनेस पैदा करना होता है उसमें. एनकरेज द स्टूडेंट्स टू फंक्शन एज ऑटोनोमस लर्नर्स. ऑटोनोमस लर्नर्स मतलब खुद अपना पढ़ाई करेंगे, किसी पे डिपेंड मत करने के लिए बोलेंगे. रिड्यूस द टेस्ट एंग्जाइटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टू एनहांस सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कंपोनेंट्स. दे शुड रिड्यूस द टेस्ट एंग्जाइटी ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो. Actions and activities that we expect from the teachers is they have to cultivate the classroom as the most effective and powerful motivational tool. They have to show an effective model, display an effective model that it is working and cultivate karenge classroom ka example deke ki effective or powerful motivational tool hai ye. Yahan pe jab bacche aate hain to unko ye सब लर्निंग हो जाना चाहिए. लिंक अप विद सोशल सक्सेसफुल एलुमनी एंड कनेक्ट विद योर स्टूडेंट्स. जो पहले से निकल चुके हैं उनमें अगर कोई सक्सेसफुल है तो उनको लाके इनके साथ इंटरेक्शन कराए बच्चों के साथ. एस्टैब्लिश डिफरेंट लर्निंग कम्युनिटी इन द क्लासरूम. लर्निंग कम्युनिटीज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक लिटरेरी क्लब हो गया, साइंटिफिक इनोवेशन क्लब हो गया, आर्ट एंड रिक्रिएशन क्लब हो गया. ये सब दूसरों बच्चों को एक एक करके जिनका एक जैसा इंटरेस्ट एरियाज हो उनको एक साथ एकजुट करके उनको बताना चाहिए कि दे कैन कंटिन्यू विद देयर ओन इंटरेस्ट एरियाज. देन दे कैन बी अथॉरिटेटिव मैनेजर एंड सोशलाइज द स्टूडेंट्स, फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स. देन अरेंज द स्टूडेंट्स पीरियडिकली एंड उनका परफॉर्मेंस अरेंज करेंगे, उनको एसेस करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट उनको देंगे, मोटिवेट करेंगे लर्निंग के लिए. ये सब टीचर्स का रोल होता है. रोल ऑफ द टीचर्स इन करियर चॉइसेस. बहुत टीचर्स का बड़ा रोल होता है करियर चॉइस में, बिकॉज जैन के स्टूडेंट्स को तो करियर गाइडेंस भी टीचर से ही मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने पढ़ा लिखा नहीं होते हैं, ये तो ट्राइबल बेल्ट से आते हैं. So they have to have a working relationship between the parents and the school. Teachers are very important in such situations. They have to assess the career readiness skills. Agar bacche ka ye readiness hai ki nahi career adopt karne ke liye, kaun sa career wo chahta hai. Reference to career counseling or guidance, ye teacher ka role rehta hai. Teachers have to encourage the students to trust their own decisions. जैसे आप बोले कि उनको मन है लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो टीचर्स का रोल है कि दे शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू ट्रस्ट देयर ओन डिसीजंस. अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो म्यूजिक में ही जाएंगे या क्रिकेट खेल में भी जाएंगे, तो दे हैव टू बी एनकरेज बाय द टीचर्स. इफ द टीचर ट्रस्ट देयर स्किल देन दे कैन बी एनकरेज ऑल्सो. Identifying closely any specific interest of the student. अगर बच्चे को किसी specific area में भी interest है तो उसको भी identify करने का role teacher करता है. Then effective counselor, career counselor कैसे बन सकते हैं? Serve as a common ground. Interest in career उनको दिखाना चाहिए. Profile planning करके अपना students का उनको motivate करते रहते हैं. जैसे टीचर्स को उनको ये पता चलता है कि मेरे पीछे खड़े होने के लिए मेरे टीचर्स, या अगर पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं तो आई कैन टॉक टू माय टीचर एंड टीचर्स कैन टॉक टू माय पेरेंट्स एंड कैन प्लान अकॉर्डिंगली. फिर ये सब होने के बाद एडोलेसेंस स्टेज तो हम भूल नहीं पाएंगे कि ये एक बहुत ही संजीदा मामला है उनका. एंड दिस इज द एज एक्चुअली व्हेन दे कैन बी प्रोन टू डेवलप सर्टेन मेंटल इलनेसेस. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ है क्या. मेंटल वेलबींग एंड मेंटल इलनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडोलेसेंट, ये सब देखेंगे, डिस्कस करेंगे. डिफरेंट स्ट्रेसेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस,
क्या क्या फैक्टर्स हैं उनके लाइफ में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनको पैदा करते हैं और उनको बीमार करते हैं मानसिक तौर पे. सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and they are able to make contributions to his or her community. ye sab agar ek sath ek jana kar pata hai to usko bolte hain ki the person is in good mental health. psychological well-being which includes a positive emotions and moods. ये क्या क्या इंक्लूड करता है, पॉजिटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव मूड्स भी इंक्लूड करता है मेंटल हेल्थ, ताकि हम उसको बोल सके कि एक बंदा मेंटली हेल्दी है. द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इमोशंस जिसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी ना हो, सेटिस्फैक्शन विद लाइफ होना चाहिए उनमें, फुलफिलमेंट, पॉजिटिव फंक्शनिंग, ये सब उनमें अगर हो तो उनको हम बोल सकते हैं कि ये मेंटली हेल्दी बंदा है. इन सिंपल टर्म्स well-being can be described as judging life's positivity and feeling good. ये Center for Disease Control ने ये definition जारी किया था mental health के बारे में. So stress in adolescence, हम देखेंगे कि कितना stressful होने से बच्चों का, इतना stressful होने से बच्चों को कितना वो affect करता है. ड्यूरिंग एडोलेसेंस कौन कौन से चीज से उनको स्ट्रेस होता है. देर आर मैनी सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑल्सो. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक चीज होता है जिस जो स्ट्रेसफुल होता है एडोलेसेंट के लिए. पॉवर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द एडोलेसेंस. पुअर बैकग्राउंड से आएंगे तो वो प्लान नहीं कर पाएंगे इतना अपना फ्यूचर को लेके. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक स्ट्रेसर है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर फैक्टर है. फैमिली एंड रिलेशनशिप, जैसे बोले कि फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बच्चों को उससे दिक्कत होती है, दे गेट वेरी अफेक्टेड. रिलेशनशिप अगर घर में अच्छा नहीं है पेरेंट्स का तो घर पे छुट्टी में जाते हैं. अगर देखते हैं कि माँ बाप में झगड़ा होता है, घर पे ऐसे शांति नहीं है, तो वेन दे कम बैक ऑल्सो वो खुद मन मार के बैठे रहते हैं, तो उनको स्ट्रेस होता है. फिर मेरे आने के बाद पेरेंट्स क्या करते होंगे, झगड़ा करते होंगे, बाप बाप जो है अल्कोहलिक है तो वो पी के आके मारता होगा माँ को, ये सब देख के वो उनको मन में बैठ जाता है चिंता. उस चिंता के साथ वो सफर करते हैं. फिर उनको रिजेक्शन का फीलिंग होता है, लगता है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, वो तो अपने प्रॉब्लम में इतने मशगूल है कि वो मेरे बारे में पूछते ही नहीं है. उनको ये भी लग सकता है, वो स्ट्रेसफुल होता है बच्चों के लिए. आपको आपने देखा होगा पेरेंट्स के बारे में कोई कोई बच्चा बात करना पसंद नहीं करता है, बस चुप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है अगर पूछो भी तो. देन देर आर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. सोशियो कल्चरल फैक्टर्स लाइक सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर्स और चैलेंजेस होते हैं जो करंट जनरेशन ऑफ एडोलेसेंस को होता है. पहले नहीं होता था, आजकल होता है, क्योंकि जब उनका डिजिटल एरिया में उनको पता चल जाता है कि सबके पास फोन है, मेरा नहीं है, बाकी सब तो यूज करते हैं. सोशली जिनका हाई पोजिशन होता है उनके साथ वो खुद को कंपेयर करते हैं, रियल लाइफ में और उनका डिजिटल लाइफ में डिफरेंस देखते हैं. खुद का इतना वो नहीं होता है लेकिन डिजिटल प्रेजेंस उनका अलग सा बना के पोर्ट्रे करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन डिफरेंस तो जो है उनको मालूम है. फिर साइबर बुलिंग भी एक होता है, कोई उनको स्टॉकिंग जो बोलते हैं, उनका पीछा करना, क्रिटिकली कॉमेंट करना, उनको बुली करना, ये सब उनको अफेक्ट करता है. ये सब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस उनको होते हैं. सो दीज आर द स्ट्रेसेस इन द एनवायरनमेंट, इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड. एक्चुअली इमीडिएट एनवायरनमेंट में आपका डिजिटल एरिया भी आता है, जो सोशल प्रोफाइल उनका क्रिएट होता है वो भी आता है. उसमें अगर किसी ने चिढ़ा दिया या पीछे पड़ गया, उनको वो बार बार कुछ एक ही चीज बुली करके बोला, तो उससे भी अफेक्टेड होते हैं. माइनॉरिटी एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, अगर
बच्चे को, कई सारे बच्चे होते हैं वो माइनॉरिटी से आते हैं, तो उनका सिचुएशन समझने के लिए सबको इजी नहीं होता है, तो उसके वजह से भी सबको उनको स्ट्रेस हो सकता है. अर्बन रीजन्स कैन बी स्ट्रेसेस. वो अगर किसी बिगर सिटी के बारे में जाएं तो रूरल और सब अर्बन और अर्बन रीजन्स डिफरेंट स्ट्रेसेस के साथ बच्चों को बच्चों का डिफरेंट स्ट्रेस लेवल्स होता है. ये अलोंग विद दिस कल्चरल फैक्टर्स इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा जो होता है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसी के हिसाब से, एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, एक्सक्लूड करते हैं उनको, हर बात में उनको समझ में नहीं आता है तो उनको लगता है कि मैं तो इस डिस्कशन में पार्ट नहीं ले पाऊंगा. सो दिस आर द स्ट्रेसिंग फैक्टर्स फॉर द एडोलेसेंस. देर आर ऑल्सो अदर स्ट्रेसेस लाइक नेचुरल कैलामिटीज, जैसे हो गया कोविड बताए, कोविड भी स्ट्रेस कर रहा था बच्चों को. फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, अर्थक्वेक और जो पैंडेमिक जो अभी जैसे बच्चों का इतना वो उस पर प्रभाव पड़ा, पेरेंट्स का डेथ हो गया, किसी का, किसी के फैमिली मेंबर का डेथ हो गया, खुद बहुत नज़दीक से देखे हैं फैमिली को सफर करते हुए, तो ये सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन बच्चों के लिए होता है जिनका प्रभाव पड़ सकता है उनके पढ़ाई में. Causes of emotional problems across environments. उनके emotional problems के लिए भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं. जैसे कारण residential हो सकता है, hostel environment के वजह से उनको problem हो सकता है, school environment जो है उसके वजह से. hostel का क्या है कि एक participate कराने नहीं देंगे hostel में. अगर कोई वो group activities करते हैं तो अपना अपना choose कर लेते हैं friend circle और दूसरों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं. और एक है स्टीरियोटाइपिंग बाय अथॉरिटी और पीयर्स भी होता है, वो स्टीरियोटाइप कर देते हैं. इधर से जो बच्चे आते हैं वो सारे बदमाशी करते हैं ज़्यादा या झगड़ालू होते हैं तो उनको हम ग्रुप में नहीं मिलाएंगे. ये कोई बेस नहीं होता है सॉलिड फैक्टर पे, बस उनका स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर होता है वो, तो वो भी अच्छा नहीं है. School environment could be a source of stress factor. Poor or reduced attendance अगर होता है तो उनको grant मिलती है. Decline in qualitative and quantitative aspects of academic performance भी होता है. Difficulty होता है उनको attention देने में, concentrate करने के लिए, focus करने के लिए पढ़ाई में. Residential or school environment भी important होता है for creating stress. कैसे? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी, पीयर्स, रिजल्टिंग इन डिसिप्लिनरी एक्शन और आइसोलेशन, अंडरमाइनिंग ऑफ एबिलिटी, सोशल आइसोलेशन, जैसे उनको अलग से बिठा दें, बदमाशी करते हो तुम इधर आज आप अलग से बैठोगे, टीजिंग और बुलिंग, ये सब रेसिडेंशियल और स्कूल एनवायरनमेंट में होता है और उसके वजह से बच्चों को स्ट्रेस हो सकता है और स्ट्रेस की वजह से उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन इज द आउटकम. ये सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन का जो परिणाम होता है वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन बच्चों को हो सकता है. एंग्जाइटी कैन बी एंग्जाइटी जो है ये एक इंटेंस एक्सेसिव परसिस्टेंट वरी होता है जिसके बारे में हमको फ्यूचर में नहीं मालूम लेकिन हम उसके बारे में ओवर थिंक कर करके हम परेशान हो जाते हैं तो वो एंग्जाइटी पैदा करता है. वन में एक्सपीरियंस फिजिकल सिम्टम्स लाइक एंग्जाइटी जिसी को हो तो क्या होता है उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रैपिड हो जाती है, स्वेटिंग करते हैं, हाथ पैर ठंडा पड़ जाता है और उनको बस घबराहट ज़्यादा हो जाती है. ये है एंग्जाइटी. डिप्रेशन इज अ कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस स्टेज जिसमें सैडनेस बहुत रहता है, डिप्रेस फील करते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी एक्टिविटी में और डेली फंक्शनिंग उनका अफेक्टेड होता है. वो खाते ज़्यादा हैं या कम खाते हैं, खेलने कूदने में मन नहीं होता है उनको, जो एक्टिविटी वो पहले एंजॉय करते थे वो एंजॉय करके नहीं करते हैं, मन चला जाता है हर चीज़ से. दैट इज़ अ डिप्रेसिव स्टेट.
So in adolescence, anxiety and depression can be a major problem issue with the children. क्योंकि क्योंकि ये इग्नोर ज़्यादा कर नहीं पाते हैं ऐसे ऐसे सिचुएशन को, और क्योंकि ये सोशल सिचुएशन से स्टेम करता है, ये स्कूल का एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, और बुलिंग और रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी वो दिखाते हैं, उसके वजह से उनको रिडिक्यूल करते हैं, तो ये सब उनको डिप्रेस कर सकता है. द वे द सोशल सिचुएशन रिएक्ट टू द एडोलेसेंट कैन बी अ कॉज फॉर डिप्रेशन. शुद्ध देखेंगे और क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए एडोलेसेंट में. अगर जो कॉजेस हैं वो है हाई प्रेशर और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट्स और टीचर्स. अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे बच्चों से तो उनको लगेगा कि इतना मेरे से आशा रखते हैं, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, क्या होगा मुझे फिर कोई प्यार नहीं करेगा. इसी वजह से उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है. प्योर प्रेशर विथ रिगार्ड टू एकेडमिक अचीवमेंट, उसके हिसाब से उनको एंग्जाइटी डिप्रेशन हो सकता है. रिलेशनशिप इश्यूज, सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, वो भी होता है एक कारण. रैपिडली चेंजिंग सोशियो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस जो होता है वो भी उनको प्रेशर डाल के उनको प्रॉब्लम होता है. लैक ऑफ क्लैरिटी इन द रूल्स एट होम, स्कूल और स्कूल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट. अगर कोई रूल सेट किया है घर पे या स्कूल पे, अगर उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी टीचर ने कहा कि आप म्यूजिक में अपना करियर कर सकते हो, दूसरे टीचर ने कहा रोज रोज अगर म्यूजिक ही करोगे तो मेरा सब्जेक्ट कब करोगे, ऐसे देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन सेटिंग द रूल्स, तो उसके वजह से उनको स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हो सकता है बच्चों को. इंक्रीजिंगली अवेलेबल डिस्ट्रैक्शंस ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट, उनको प्रॉब्लम्स हो सकता है. पैंडेमिक इंड्यूस्ड हेल्थ रिलेटेड फियर और वरीज, तो आपने देखा कि बच्चों को कैसे पैंडेमिक के वजह से प्रॉब्लम होता है. अभी तुरंत ही मतलब अपना वो जो दुख होता है फॉर लूजिंग अ पेरेंट, दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट, सो दे गेट इन टू डिप्रेस मोड. यू कैन फर्दर क्लासीफाई द कॉजेस एज जेनेटिक. जेनेटिकली भी सम पीपल आर प्री डिस्पोज टू डेवलप डिप्रेशन, क्योंकि घर जैसे बोलते हैं कि इट रन्स इन फैमिलीज, इट रियली रन्स इन फैमिलीज, लाइक डिफरेंट डिजीजेस रन इन फैमिलीज, स्पेशली मेंटल हेल्थ डिजीजेस ऑल्सो रन इन फैमिलीज. सो अगर किसी का पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स अगर डिप्रेसिव है या स्किजोफ्रेनिक है, तो उसके हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू डेवलप सच डिजीजेस लेटर ऑन इन लाइफ when they grow up a little, when they reach the adolescent stage. So the causes can be genetical, personal, environmental, academics or socio-emotional. So genetically, it relates to the family history of anxiety or depression in parents, siblings or immediate family members. Kisi ko hua hai to is bachchon ko bhi hone ka dar rehta hai. Any questions? मैडम ये जैसे डिप्रेशन हो रहा है बच्चों को, हमें ये बताइए कि मतलब किस तरह से वो काउंसलिंग करें मैडम, उसको किस तरह से बताएं कि उसका डिप्रेशन कम कर सके, उसको हैंडल करने का भी तरीका बताएंगे ये आपके कोर्स में, बोलेंगे आपको. ठीक है जी, ये अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उसका कारण क्या हो सकता है डिप्रेशन और एंजाइटी होने का. जो है जेनेटिकल फैक्टर हो सकता है, अगर किसी के फैमिली में है तो उसको हो सकता है. पर्सनल फैक्टर हो सकता है, बच्चे का टेम्परामेंट और इनेट पर्सनालिटी स्टाइल लेके उनको डिप्रेशन हो सकता है. बच्चों का अगर वो ज़्यादा शाई नेचर है या बहुत केयरफुल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं फीलिंग्स को, इमोशन को, किसी ने उनको चिढ़ा दिया तो वो उसको लेके पकड़ के बैठ गए, तो उसके वजह से उनको डिप्रेशन हो सकता है. वो कारण एनवायरमेंटल भी हो सकता है. एनवायरमेंट अगर मतलब अगर वो बच्चे का फैमिली ही ब्रोकन फैमिली है,
पेरेंट्स में झगड़ा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पेरेंट्स में झगड़ा हो के पापा के माँ को मारता है, अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है और एब्यूज का प्रॉब्लम है, बुलिंग करते हैं घर पे, पेरेंटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम है, तो ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन कॉज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन द चाइल्ड. एकेडमिक्स कैन बी अ रीजन फॉर एडोलेसेंस टू फील एम्बरेस्ड इन स्कूल एंड एट होम इफ दे आर कंपेयर टू सिबलिंग्स. अगर बच्चों को अपने भाई बहन के साथ कंपेयर किया जाए या किसी दूसरे के साथ हाई अचीवर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो उनको डिप्रेशन हो सकता है. जैसे पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस और अटेंशन कंसर्न्स विल लीड टू सोशल आइसोलेशन, फिर सोशल आइसोलेशन विल लीड टू डिप्रेशन और एंग्जाइटी, फिर वो डिप्रेशन एंग्जाइटी कैन लीड टू पुअर स्कूल अटेंडेंस और ड्रॉप आउट रेट्स विल इंक्रीज, है ना. ये एक विशियस साइकिल है जो अफेक्ट कर सकता है अटेंडेंस इन स्कूल एंड द पर्सन द चाइल्ड कैन बी अ ड्रॉप आउट ऑल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. द कॉजेस कैन बी सोशल इमोशनल ऑल्सो, लैकिंग प्रॉपर सोशल स्किल्स, लाइक बात करेंगे किससे उनको पता नहीं होता है, मन दुख हो रहा है तो किससे बात करके मन हल्का करें, ये सब उनको पता नहीं चलता है, इसीलिए उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो सकता है. सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ये तो हो गया, कारण क्या क्या हो सकता है, उसका साइन क्या होता है. सो सम कॉमनली ऑब्जर्व साइंस हैं, जैसे फिजिकल, पर्सनल, सोशल, इमोशनल, एकेडमिक और कॉग्निटिव स्टाइल होता है, साइंस उनका होता है, बिहेवियरल साइन होता है जो दिखाते हैं ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन में. फिजिकल क्या होगा साइन एंड सिम्टम एंग्जाइटी और डिप्रेशन में, उनको साइन सिम्टम क्या होगा, इंक्रीज कंप्लेन ऑफ फिजिकल पेन ज़्यादा होगा उनको, आज सर पे दुख, सर दुख रहा है, कल पैर दुख रहा है, आज जाने का मन नहीं कर रहा है स्कूल, आज पेट में दर्द है, मेडिकल रिलेटेड कंसर्न्स हो, फटीग ज़्यादा होता है उनको. कंसर्न अबाउट फिजिकल फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, पाल्पिटेशन प्रॉब्लम होता है, आप सुतुरंत उनको देखो तो सचमुच का उनका पाल्पिटेशन रेट ज़्यादा होता है, हाथ लगा के देखो तो पता चलता है, सफोकेटिंग फीलिंग करते हैं, चोकिंग जैसा उनको फीलिंग होता है, ब्रीदिंग उनका डिफिकल्ट हो जाता है, उनको उल्टी लगती है, उनको गर्मी या ठंड लगती है. सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी और पैनिक अटैक उनको हो सकता है उसके वजह से. पर्सनल रीजन भी होते हैं, जैसे एपेटाइट उनका ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उनको खाने को मन नहीं करता है, नहीं तो खाते रहते हैं बस, उनको चेंजेस आएगा उनके बॉडी वेट में, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, स्लीप पैटर्न भी चेंज होता है उनका, किसी का किसी को नींद ही नहीं आती है, रात को पड़े रहते हैं, फिर सुबह रेड रेड आइज करके स्कूल में जाते हैं, लीजर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बॉडी इमेज इश्यू हो जाता है उनको, वो अपना वेट गेन को लेके या वेट लॉस को लेके बॉडी शेमिंग उनको कराते हैं तो उनको पसंद नहीं आता है, वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं. ठीक है. एंड सोशल एरियाज में वो सोशलाइजेशन पसंद नहीं करते हैं, बात करेंगे नहीं किसी से, फैमिली से नहीं करेंगे, फ्रेंड से नहीं करेंगे, बस सिंगल लेटर में जवाब देंगे हाँ या ना में, चुप रहेंगे, आंखें नीचे करके देखेंगे, ये सब डिप्रेसिव पेशेंट्स का सिम्टम्स है. सोशल विथड्रॉल और आइसोलेशन बाय एंगेजिंग इन सोशल एक्टिविटीज, फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिताएंगे, अपने आसपास पे जो लोग हैं उनके साथ बात नहीं करेंगे लेकिन सोशल फोन देखते रहेंगे. फोन तो आपका खैर है ही नहीं बच्चों के लिए, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट खो देंगे, इंटरेक्शन करेंगे नहीं किसी से. इमोशनल भी होता है, रिकरिंग फियर्स एंड वरीज होता है उनको, रूटीन एक्टिविटी अपना नहीं करेंगे, नहाने का मन नहीं करेगा उनको, अपना काम खत्म करेंगे नहीं, फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और हेल्पलेसनेस रहेगा,
लैक ऑफ मोटिवेशन, होपलेस फील करेंगे, वर्थलेस फील करेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका बहुत पुअर हो जाएगा, मैं कुछ हूँ ही नहीं, कोई मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता है, मैं दूसरों की तरह बन नहीं पाऊंगा, ये सब भावनाएं उनके मन में आते रहते हैं. ठीक है, एंड एंगेजिंग इन सब्सटेंस अब्यूज, वो रिस्की बिहेवियर में आ जाता है. खैर आपके स्कूल में तो सब्सटेंस अब्यूज इतना मतलब उनको चांस मिलेगा नहीं, लेकिन बाकी जो डे स्कॉलर्स होते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता रहता है. वो गांजा, जाके स्कूल के बच्चे गांजा भी लेते हैं, ये देखा है मैंने, जो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए. एक्सट्रीम सेंसिटिव रिएक्शन उनका हो जाता है, एकेडमिक और कॉग्निटिव इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका डिक्लाइन होता है, पूर अटेंशन रहता है क्लास में, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनका हैम्पर होता है, पुअर मेमोरी उनका हो जाता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन उनका अफेक्टेड होता है, बिहेवियरल इशू में उनका इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और गुस्सा ज़्यादा आता है, फ्रिक्वेंटली वो रो पड़ते हैं, किसी कारण की वजह से ना हो फिर भी उनको रोना आता है, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर लाइक वो प्लेट लेके काटते हैं या स्क्रैच करते रहते हैं, आग लगा देते हैं, मोम गर्म करके हाथ में डालते हैं, दियासिल ला के जला देते हैं, कुछ हाथ पे गर्म वो डालना, गर्म पानी में हाथ डुबोना, ये सब रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी देखा गया है कि बच्चों में ज़्यादा बढ़ जाता है. दे टॉक अबाउट सुइसाइड ऑल्सो, मैं नहीं हूँ तो कितना अच्छा होता, सबको मेरे से ही प्रॉब्लम है, मैं नहीं, मैं रहूँगा ही नहीं, मर जाऊँगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसी बातें उनके मन में दिमाग में आता है. चिल्ड्रन और एडोलेसेंस जो है ऐसे डिफरेंटली उनका रिएक्शन होता है. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, एक है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एक है सेपरेशन एंग्जाइटी, दूसरा है स्पेसिफिक फोबिया, एक उनको होता है सोशल फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी उनको होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. देखते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर वो क्रॉनिक होता है, जो जीएडी बोलते हैं हम उसको, एक्सक्यूज मी, दे एक्सपीरियंस क्रॉनिक एक्सेसिव एंग्जाइटी अबाउट मल्टीपल एरियाज ऑफ देयर लाइव्स, सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं, हर बात पे उनको एंग्जाइटी होता है. सेपरेशन एंग्जाइटी, उनको फियर रहता है कि मेरे घर से मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो सेपरेशन एंग्जाइटी उनको ज़्यादा हो जाता है कि कोई मुझे पूछेगा नहीं, मैं अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाऊँ तो कोई मेरे लिए केयर करने के लिए है ही नहीं, स्कूल आने के लिए इच्छा नहीं करेंगे, अगर छुट्टी पे घर पे गए हैं तो स्कूल वापस आने का नाम लेते ही उनका रोना शुरू हो जाता है, आने का मन नहीं करेंगे, नहीं तो स्कूल में है तो घर पे जाने का भी मन नहीं करता है किसी किसी का. सो सेपरेशन एंग्जाइटी भी वो है कि सेपरेट होने का एंग्जाइटी, मैं जाऊंगा तो फिर मुझे कोई पूछेगा नहीं. स्पेसिफिक फोबिया उनको होता है, फोबिया मतलब एक्सेसिव फियर, जो फियर होता है उनका ये इरेशनल फियर होता है, स्पाइडर को लेके हो, नीडल्स को लेके हो, एलिवेटर्स को लेके हो, या किसी चीज़ को लेके भी उनको हो सकता है फोबिया, एग्जाम फोबिया भी उनको हो सकता है, एग्जाम आते ही उनको डर बैठ जाता है, इतना डर बैठता है कि वो एग्जाम ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते ही नहीं, ये भी होता है. सोशल फोबिया एक है जो वो सोशल सिचुएशन में उनको बहुत ही डर लगता है कि कोई बात करने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है, तो कोई बात करने के लिए आए तो वो कांपने लगते हैं. दे एक्सपीरियंस एंग्जाइटी इन सोशल सेटिंग्स एंड परफॉर्मेंस सिचुएशंस. दे अवॉइड सोशल सिचुएशंस, पिकनिक्स पे जाने के लिए अच्छा नहीं लगता, मार्केटिंग जाने के लिए, मैरिज के लिए, स्कूल में अगर भीड़ भाड़ हो तो वो कोने में जाके बैठ जाते हैं, स्कूल का फंक्शन कुछ चल रहा है वो कुछ करने को उनको मन नहीं करेगा, ऐसे भी उनको रिएक्शन आते हैं. पैनिक
पैनिक डिसऑर्डर जो होता है वो एंजाइटी जैसा कुछ कुछ करीब करीब एंजाइटी जैसा होता है, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर का कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं होता है, कभी भी किसी टाइम पे भी आ सकता है। नींद में सोए हैं, उठ के बैठ जाएंगे, उनको पैनिक अटैक आता होगा, पल्सेशन का बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाता है, शुरू हो जाता है स्वेटिंग, ये सब हाथ पैर कांपने लगता है, ये सब पैनिक डिसऑर्डर भी उनको हो सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एक चीज है जो बच्चों में देखा जा सकता है, जो एंगेज करते हैं रेपिटेटिव मेंटल एक्ट और एक्टिविटीज में, ऑब्सेसिव थॉट्स उनको इतना आएगा कि वो थॉट्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंपल्सिव डिसऑर्डर कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। फिर वो थॉट इतना उनको दुखदायी होता है, उनको प्रॉब्लम होता है कि वो तब तक वो काम नहीं करे तो उनको चैन नहीं मिलता है, तो वो ऑब्सेशंस लीड करता है कंपल्सिव बिहेवियर के लिए। जैसे उनको लगता है कि उनके हाथ में गंदगी जो लगा है वो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो जाके बार बार हाथ धोएंगे, एक बार धोएंगे, 10 बार गिन गिन के धोएंगे, उनको लगेगा कि 15 बार अगर धो लूं तो फिर जर्म्स नहीं निकलेंगे, 15 बार धो लिए फिर सोचेंगे एक बार कम हो गया क्या, 15 गिनते गिनते फिर दोबारा धोएंगे, ऐसे ही उनको ये थॉट्स डिस्टर्ब करते रहते हैं। डिप्रेशन इन एडोलेसेंस, ये तो हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स दैट इज नॉट नॉर्मल, ये जो बिहेवियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओसीडी हो गया। एक्सक्यूज मी मैडम, जैसे ये फोबिया है जैसे बच्चे बार बार हाथ धोने का, इससे उनको निकाला कैसे जाए? इससे आपको मतलब उसका रूट कॉज कुछ दूसरा है, ये जो हाथ धोने का ओसीडी बिहेवियर बोल, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर बोलते हैं ये, उसका रीजन कुछ और है, क्योंकि उनके मन में कोई डर बैठ जाता है, रूट कॉज कुछ दूसरा है, उसका रिजल्ट ये है कि वो ऐसे मैनिफेस्ट होता है उनका। जी जी जी, तो उनके साथ काउंसलर को बात करके उनको समझने के लिए समझाने की जरूरत होती है, नहीं ये आप तो धो लिए साफ हो गया, फिर बाद में पता चलता है कि उसने तो अपने माँ को मारा था या कुछ हुआ था, इसीलिए वो डर्टी फील करता है, वो अपने हाथ को मार मार के मतलब धो धो के साफ करना चाहता है, ऐसे भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यस यस यस, ओके मैम, ओके, ठीक है, ओके, जी जी जी। डिप्रेशन इन एडोलेसेंस, डिप्रेशन भी होता है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर उनको होता है, डिप्रेस्ड मूड उनका रहता है, रिएक्टिव डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, डिप्रेस्ड मूड को। इस टाइप ऑफ डिप्रेशन में कोई लाइफ इवेंट अगर नेगेटिव हो जाए तो इंसल्ट या रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, लॉस ऑफ फैमिली मेंबर ड्यू टू डेथ, चेंजेस ड्यू टू सेपरेशन और डिवोर्स, पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, अलग हो गए पेरेंट्स, सडन चेंजेस उनके आगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्योंकि माँ बाप दूसरे अलग अलग हो गए, तो रिलोकेशन ऑफ होम और चेंज ऑफ स्कूल ये सब हो जाता है, तो साथ साथ में बच्चों को दिक्कत होती है एडजस्ट करने में, इस वजह से भी उनको डिप्रेशन आ सकता है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक दूसरे टाइप का होता है जो डिस्थिमिया बोलते हैं। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक लो ग्रेड क्रॉनिक डिप्रेशन होता है, नॉर्मली ये बहुत साल बहुत मंथ तक चलता है, सालों भर उनको ऐसे ही लगता रहता है, इरिटेबल रहते हैं बच्चे, लो एनर्जी होता है उनका, लो सेल्फ एस्टीम होता है, फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस होता है, डिस्टर्ब ईटिंग होता है उनका, खाने पीने में उनको डिस्टर्ब लगता है, अच्छे से खा नहीं पाते हैं, सोते हैं तो नींद नहीं आती है, नहीं तो सोए रहते हैं तो सोए रहते हैं, उठने का नाम नहीं लेते हैं, पुअर कंसंट्रेशन लेवल होता है उनका, मन ध्यान कहीं और चला जाता है, डिसीजन मेकिंग उनका अफेक्टेड होता है, ये सब सिम्टम्स है डिस्थिमिया का। ये सीवियर नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है डिस्थिमिया, तो आपको लगेगा कि ये तो बच्चा है ही ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं, उसको प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसे बन गया है ना, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप उसको देखो तो आपको लगेगा बच्चे का टेम्परामेंट ही ऐसा है, लेकिन टेम्परामेंट ऐसा नहीं है, वो ऐसे बन गया है सबके साथ वो डील करते करते, ठीक है। और दूसरा है डिस्ट्रप्टिव मूड एंड डिसरेगुलेशन बिहेवियर,
this type of mood disorder is normally diagnosed in younger children. जो मूड डिसऑर्डर डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर होता है, बच्चे गुस्सा करके चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, एंगर दिखाते हैं अपना, बच्चों में झगड़ा, घर पे जाके चिल्लाना, टैंट्रम्स शो करना, ये सब डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर होता है। और एक है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जो मेंस के टाइम पे बच्चों को लड़कियों को आता है, हॉर्मोनल चेंजेस इतना होता है लड़कियों में कि उनको ये सब डिप्रेशन उनको होता है, ये डिप्रेशन टिपिकल होता है जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको आता है, एक हफ्ते के पहले से उनको आता है फिर चला जाता है। तो ये भी हो सकता है कि ये डिसऑर्डर ये परमानेंट नहीं है, बस दे आर प्रोन टू गेट प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। And what are the causes of depression? There are different causes of depression. There are some common causes of depression. वो देखेंगे कि adolescent के life में जो depression होता है, क्या major depression के कारण हो सकते हैं? When there is a family history of depression at a younger age for parents or siblings. और when there are significant stresses मतलब environmental stresses हो सकते हैं related to personal, social or academic domains at home or maybe at school or other environments that the child is living in, ये सब stressful factors की वजह से उनको हो सकता है depression, major depression हो सकता है। when there is a history of abuse or neglect, अगर बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाता है या अब्यूज हुआ है, बच्चा मारपीट करके उसको घर पे रखे हैं, फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा हुआ है उसको, एक्सपोजर टू लॉस ऑफ पेरेंट और केयर गिवर और एनी अदर लविंग रिलेशनशिप, उसके वजह से भी वो भी एक कॉमन कॉज होता है। हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज होता है, जैसे स्मोक करता है, एल्कोहल चखने के चखते चखते फिर वो, एक मैं बात बताऊं कि ये जो एक रूरल बेल्ट है जिस जहाँ पे मैं जाती हूँ अक्सर, तो उधर वो हांडिया बोलते हैं लोकल अल्कोहल जो बनाते हैं, तो उसको लेके बच्चे भी मतलब पी जाते हैं, माँ बाप भी उनको बच्चों को देते हैं और पी जाते हैं। तो ये बिकम्स अ फैमिली ट्रेंड टू हैव अल्कोहल इन दीज एरियाज, सो इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज with the family, then it becomes depressing for the children also. When they grow up, they will become depressed adults. Medical or neurological illness like traumatic brain injury ho gaya aur koi terminal illness ho gaya, to uske wajah se depression ho sakta hai. Jo agar uske parents dekha jaye to kisi ka baap ya maa agar bahut injured hai, kisi ka accident ho gaya aur kuch nahi ho sakta, they don't have the money to do the operation and they have to tolerate the pain, घर पे पड़े हैं, तो ये सब देख देख के उनको traumatic brain injury देख देख के उनको depression हो सकता है। developmental learning और behavioral disorders भी हो सकता है, gender identity और sexually related issues भी depression का कारण बन सकता है। जैसे आजकल LGBTQI चल रहा है, like lesbians और bisexuals guys, जो उनको लगता है कि वो लड़की है लेकिन लड़के के बेस में घूम रहे हैं, वैसे भी उनको ये सब सोच सोच के उनको डिप्रेशन हो सकता है। देर आर ऑल्सो अदर कॉजेस ऑफ डिप्रेशन लाइक विच रिजल्ट फ्रॉम सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, निकोटिन और ड्रग्स, देन देर कुड बी साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस और साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकल कंडीशंस लाइक टर्मिनल इलनेस कुछ हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आर्थराइटिस, ये सब डिजीजेस के बारे में सुन सुन के उनको डिप्रेशन हो सकता है। सो देर कैन बी कोविड रिलेटेड एंग्जाइटी ऑल्सो, सिंस अभी हम कोविड को डील किए हैं, सो हमने देखा है कि कोविड का कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर भी, बड़े तो बड़े लेकिन बच्चों पे भी बड़ा वो उनको हैंडल करने को प्रॉब्लम होता है।
So COVID can cause chronic and acute stress resulting from social isolation. उनको isolate करके रख दिए तो उनको कितना problem हुआ. Changes in learning style, living in cramped environments, छोटे छोटे जगह पे जो रहते हैं उनको isolation किया जाए तो कितना उनको दिक्कत होती है for prolonged durations. ये सब देख के उनको पता चलता है. तो कैसे पता चले कि उनको एंजाइटी और डिप्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ना. सो असेसमेंट फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन कैसे करें. टीचर्स कैन ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द स्टूडेंट्स एक्शंस और स्पीच और एटीट्यूड टुवर्ड्स अथॉरिटी. The attitude can be different for the authority, peers or other staff as in sudden, वो suddenly rude बन जाएंगे, suddenly argument करना शुरू कर देते हैं और defensive mode में चले जाते हैं या गुस्सा करके वो physical हो जाते हैं, verbally वो बहुत abusive behavior दिखाते हैं, उनका academics decline करता है और पेरेंट्स को रिपोर्ट करना जरूरी होता है इस टाइम पे और वो रेफर करने के लिए वो इंडिकेटर है. ये स्कूल में जो स्पेशलिस्ट है वो काउंसलर है, आप उनको स्पेशली उनको रेफर करके इन बच्चों का ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है. साइकोलॉजिस्ट अगर है या साइकियाट्रिस्ट कोई विजिटिंग आता है तो उनको दिखा के सही बना के उनको हैंडल कर सकते हैं. टीचर्स कैन ऑल्सो complete some rating scales. जो assessment कैसे करेंगे, there are some rating scales also जो जिसके ऊपर base करके आपको पता चलता है कि उनको क्या हुआ है, depression हुआ है कि anxiety हुआ है, क्यों हुआ है. उनके साथ फिर बात करता है साथ school का counselor तो पता चलता है. So ये जो self-administering rating scales है वो teachers भी करा सकते हैं. You can find the depression and anxiety scale on internet also. अगर हो सकता है तो मैं कल provide कर दूंगी, देखती हूँ file मेरे पास है कि नहीं. ठीक है. जी मैम. यहाँ पे है आपके book में school anxiety scale, teacher reports and strengths and difficulties questionnaire. ये सब है, आपका लिंक दिया हुआ है. यू कैन गो टू दिस लिंक्स, आई डोंट हैव टू शेयर. ये सब दिया हुआ है इसमें. ठीक है. एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस. और एक ही ये गया सेल्फ. वी डिस्कस्ड अबाउट एंजाइटी एंड डिप्रेशन दैट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन यंगर एडोलेसेंस. वो शुरू कैसे होता है, उसका कारण क्या हो सकता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, असेसमेंट कैसे किया जाए, सिम्टम क्या होता है, हम अब सब वो डिस्कस किए. देन नेक्स्ट कम्स सेल्फ इंजुरी बिहेवियर इन एडोलेसेंस, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, जिसको ऐसे NSSI भी बोलते हैं, नॉन सुइसाइडल सेल्फ इंजुरी. ये सुइसाइडल नहीं होते हैं फिर भी उनको इतना प्रेशर होता है कि वो सेल्फ इंजुरी बिहेवियर करके उनको थोड़ा सा शांति मिलता है बोलते हैं. तो देखते हैं वो क्या होता है. सेल्फ इंजुरी बिहेवियर, नॉन सुइसाइडल सेल्फ इंजुरी बिहेवियर इज द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली कॉजिंग और इन्फ्लिक्टिंग हर्ट और डैमेज टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी विदाउट suicidal intent. उनका intention नहीं होता है कि suicide करे, लेकिन वो कुछ harmful behavior करते हैं जिससे अपने body को वो नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है. It is and it is not socially approved. ये कोई अच्छा नहीं बोलेगा देख के, तो ये करने के बाद फिर वो छुपाना शुरू कर देते हैं, हाथ को कवर करके रखेंगे, नहीं तो बात कम करेंगे अगर किसी को पता चल जाएगा करके. दिस इज हावर. ये एक्सीडेंटल नहीं होता है, ये जानबूझ के करते हैं. बोल देंगे कि ऐसे लग गया, जैसे जाते जाते वो गिर गया, ये चोट लग गई, लेकिन ये सब झूठ है. ये जानबूझ के अपना कराते हैं क्योंकि वो कल सो जैसे टैटू हुआ अपना, पियर्सिंग बिहेवियर हुआ, रिलीजियस रिचुअल हुआ, ये सब वो नहीं है.
ये दूसरा जानबूझ के कराने वाले काम को बोलते हैं सेल्फ इंजुरियस बिहेवियर। ये तो टैटूइंग पियर्सिंग लगता है क्योंकि वो सेल्फ इंजुरी सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर जैसा दिखता है पर है नहीं। सो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेल्फ इंजुरी? जैसे बाइटिंग, हेड बैंगिंग, कंधे वो कंधे पे ये काटने का मार के सब बाइटिंग का अपने आप को ही काट लेते हैं। पिकिंग एंड पुलिंग ऑफ स्किन और हेयर, ब्रूजिंग और हिटिंग, कटिंग, स्क्रैचिंग, ब्रांडिंग एंड बर्निंग, सिगरेट जला हुआ सिगरेट लाके अपने हाथ में लगा देते हैं, ये सब देखा जाता है बच्चों में। There are more serious forms of burning, carving and marking, tattooing and excessive body piercing. एक लड़की ने जंगल में एक जैसा वो एक पत्ता होता है, एक ट्री का सिक्रेशन होता है, उससे लिखी है ये लड़की जो है वो खुद से टैटू बनाई है, I love you करके लिखी है वो, उसको पत्ता उस पत्ता का जो जूस निकलता है वो बहुत जलन होता है उसको लगाने से, फिर भी ये पिंक पिंक कुछ हाथ में लग गया है वो बोल के छुपा के रखी है, ये रुमाल लगा के बैठ के आती है। तो मैंने पूछा दिखाओ, तो वो फिर बाद में खुद से बोली कि ये एक लड़के के लिए मैंने किया है, आई लव यू लिखी है, स्कूल बंद हो गया है उसका वो मार्क बनाई है। जैसे टैटू में करते हैं तो टैटू तो प्रॉपर आर्टिस्ट के थ्रू कराते हैं, ये तो खुद से की है, खुद ब्लेड से वो मार्क बनाई है, खून जो निकला है उसके उसी जगह पे फिर वो क्या ट्री का जो निकलता है लिक्विड उसको डाल के वो डालने से एसिड जैसा हो जाता है, फिर वो मार्क परमानेंट मार्क वो ब्रूज होके वो 15-20 दिन के बाद जब ठीक होता है तो ये तुरंत उसको दिखाई देता है कि क्या लिखी है, पिंक पिंक होके वो लग जाता है। फिर ऐसे भी करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ वो पढ़ाई करते हुए जो बच्चे हैं वो करते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं वो भी करते हैं क्योंकि ये एडोलेसेंट एज का प्रभाव है। और लीस्ट कॉमन है पुलिंग आउट बॉडीली हेयर्स, ज्यादा दिखने को नहीं मिलता है लेकिन कई कई करते हैं, बॉडी हेयर पुल करेंगे, वॉल को पंच करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस खा लेंगे, शार्प ऑब्जेक्ट को निकलेंगे। शार्प ऑब्जेक्ट से खेलेंगे ये सब, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड एंड फॉर्म ऑफ इंजुरी द स्किन मार्क विल बी परमानेंट। उसका ये ओनली नेगेटिव पॉइंट इज it will be a permanent scar on their body and they will try to hide it. So these are the two indicators you have to look for, then only you can know that this is a self injury behavior that the child is inflicting upon himself or herself. Okay, and what are the signs and symptoms of self injurious behavior? There can be several signs and symptoms of self injurious behavior, like cut or burn marks on the arms, legs and abdomen. पेट पे भी burn marks देखने को मिलते हैं, हाथ पे, पैर पे, वो full sleeves वाला क्लोथ पहनेंगे नहीं तो कवर करेंगे लोअर लिम को, कुछ बांधेंगे रुमाल जैसा स्टाइल से, फॉर द वेदर बोलेंगे कि ये यहाँ पे पसीना निकलता है इसीलिए बांधा है, झूठ कुछ बोल देंगे लेकिन उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। You will find knives, razor blades, box cutters and other sharp objects hidden in the adolescent's bedroom or belongings. आपको देखने को मिलेगा कि उसके बेडरूम में या उसके सामान में ये सब चीजें पाए जाएंगे। They will be regularly locking themselves in the bedroom or bathroom following a bad day at school. अगर कुछ गलत होता है उनको बुरा लगता है तो आके छुप के बंद करके रूम बैठ जाते हैं बेडरूम पे या बाथरूम पे। There will be negative encounters with peers, peers के साथ, friends के साथ वो negative exchange of words होता है,
फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कुछ होता है और लेंथी पीरियड के लिए होता है, ये झगड़ा हुआ ये नहीं कि तुरंत बंद हो गया, ज्यादा देर तक वो झगड़ते रहते हैं फिर जाके बंद हो जाते हैं। एंड द फैमिली फिजिशियन और टीचर और अदर एडल्ट ऑब्जर्वर्स जो देखते हैं वो उनको एडोलेसेंट दिखता है कि जैसे अपना खुद का बॉडी है रिमूव करता रहता है, तो उसके पीयर्स भी वही करते हैं। फिर ये ग्रुप में जैसे देखो तो चलता है, किसी ने किया तो दूसरे में एक्सपेरिमेंट के तौर पे दूसरे ने कर दिया। रिपोर्ट्स फ्रॉम सिबलिंग्स भी आता है दैट वो घर पे मिला ये रेजर मिला या टीम को देखा है कभी, ऐसे दिमाग से आपको पता चलेगा कि उसको सेल्फ इंजरी बिहेवियर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर वो करता है। What could be the causes for self-injury? There can be many causes of self-injury. Like risk-taking behavior or to rebel or reject the family values as an act of stating or demonstrating their individuality for acceptance or non-verbal method of communication for their emotional and physical discomfort. A way of relieving anxiety, frustration, or expressing anger, fear, or hurt. In adolescents with developmental delays or disabilities, autism spectrum disorder, or children abused or abandoned, it may be reflecting lack of appropriate social emotional communication skills. As a way of seeking acceptance or affirmation, and needing to fit into the पर्टिकुलर पियर ग्रुप दैट एनकरेजेस रिवॉर्ड सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। कई कई ग्रुप्स में ऐसे होते हैं कि सारे बच्चे कर रहे हैं तो इसको भी फिट इन की जरूरत है, तो वो सबके जैसा दिखने के लिए भी कोई कोई करते हैं, सबने टैटू किया है ऐसे बदमाशी करके देखे कि इतना ताकत है उसमें, तो दूसरे भी करते हैं। एज अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर सिग्निफिकेंटली हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड एट होम with family or peer relationship in school, इसके लिए भी causes ये हो सकते हैं। As a form of self-punishment, it could be a form of self-punishment mostly by young females due to feeling of failure in living up to the idealized images of physical and social appearances or body image and social etiquettes, mostly due to the effects of increasing technological advance and increased exposure to screen time. There are different forms of social media also they use. Self-harm also produces endorphin effect. क्यों self-harm करते हैं? क्योंकि उनको अच्छा लगता है. Maybe it is for a very short period of time, but they feel good. Endorphin जो होता है आपका एक hormone होता है, वो hormone release होता है. इसीलिए वो for the temporary relief they experience, they do this self-harm behavior. When engaged in behaviors of courting or burning, endorphins are quickly secreted into their bloodstreams, giving an experience of numbness or pleasurable sensation. For some, it helps in numbing away unpleasant thoughts. किसी किसी को तो ये unpleasant thoughts को कम करने के काम आते हैं. Self injury behavior जब तक करते हैं उनको दिमाग से हट जाता है कि उनको किस बात का दुख है, इसीलिए कई कई करते हैं. It may give a feeling of high from the experience similar to use of drugs. जैसे drugs लेते time लगता है किसी किसी को, वैसे ही उनको feeling होता है जब ये self injury behavior करते हैं. Like addiction to a particular drug, the endorphin high provides fast acting relief for adolescents from their emotional distress and other stressors in their lives. उनको जो stress हुआ है ये उनको relief मिलता है, बाकी distressful situation जो है उससे भी उनको रिलीफ मिलता है, मे बी टेम्पररी, बट उनका अटेंशन तब तो खुद पे ही रहता है अपना बॉडी पार्ट पे, इसीलिए ये उनको आराम देता है। इट इज ऑल्सो अ वे टू फील अलाइव एंड कंफर्म देयर एग्जिस्टेंस इन रियलिटी। उनको जैसे गुम हो जाना मन करता है, उनको लगता है कोई मुझे देखे ना, तो ये खुद पे अटेंशन दे के जो करते हैं
that way they feel alive and confirm their existence in reality when they are feeling emotional disconnection. बाकी सबके साथ उनका इमोशनल डिसकनेक्शन होता है, इनवैलिडेशन होता है फ्रॉम द पेरेंट्स, फीलिंग के वाइज वो इमोशनली डेड फील करते हैं इनसाइड और दे फील इनविजिबल इन द पेरेंट्स आई, इसीलिए ये सब करते हैं. एज अ कोपिंग स्ट्रेटेजी फॉर गर्ल्स विद ओवरली डिमांडिंग पेरेंट्स, स्पेशली इन सिचुएशंस वेयर द फादर इज डोमिनेंट एंड इट कम्स एज अ डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग. इसी केस में भी देखा गया है कि बच्चे ऐसे करते हैं जो पेरेंट्स डोमिनेंट होते हैं, स्पेशली द फादर, व्हेन द फादर्स डोमिनेंट वॉइस इज देयर एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग दे स्टार्ट हार्मिंग देमसेल्व्स. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ओके, देन कम्स सुसाइड. ये तो सेल्फ हार्मिंग, नॉन सुइसाइडल सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर हो गया. नॉन सुइसाइडल सेल्फ इंजरी, NSSI. सुइसाइड दूसरा है. सुइसाइड इज एन इंटेंशनल सेल्फ हार्म विच रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. वो मरने के चाहत से ही वो सुइसाइडल बिहेवियर दिखाते हैं. इट इज स्टेडिली इंक्रीजिंग एंड करेंटली रैंक्स एज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग एडोलेसेंस बिटवीन द एज ऑफ 15 and 19. जैसे कोटा, आपने देखा होगा कोटा में दूसरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया. पेरेंटल प्रेशर इतना होता है, अपना खुद का एक्सपेक्टेशन खुद से ज़्यादा होता है, इसीलिए सुसाइड रेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर 14 to 15 ईयर ओल्ड सुसाइड. ठीक है, देर आर प्रेडिक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स फॉर सुसाइड ऑल्सो. सुसाइड रिस्क फैक्टर्स जो है, there are personal factors, social factors. So personal factors jo hai, physical health due to chronic medical condition or changes related to puberty and acute or chronic mental health conditions. ye hai personal factor. kyun koi suicide karega? In younger adolescents, impulsivity associated with feelings of sadness, confusion, anger or problems with attention and hyperactivity. In middle and older adolescents, so suicide is actually in physical health due to chronic medical conditions or changes related to puberty. ये personal factor होता है जिसके लिए suicidal behavior देखा जाता है. In younger adolescents, impulsivity मतलब अगर दिमाग में आया तो तुरंत उसी को implement करते हैं ये सब. Impulsivity associated with feelings of sadness, confusion, anger or problems with attention and hyperactivity. इसी वजह से दीज आर द पर्सनल फैक्टर्स, द पर्सन कैन बी सुसाइडल. इन मिडिल एंड ओल्डर एडोलेसेंस एसोसिएटेड विद फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, प्रेशर टू सक्सीड, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस एंड एज द ओनली सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम दे कैन बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड दे कमिट सुसाइड. अग्रेसिव और डिसरप्टिव बिहेवियर्स, फीलिंग्स ऑफ होपलेस एंड होपलेसनेस, होपलेसनेस, ये सब उनको पर्सनली फैक्टर्स होते हैं जो वो उनको सुसाइड करने पे मजबूर करता है. वो बोलते हैं व्हेन देयर इज इजी एक्सेस टू गन्स, ड्रग्स और अदर मींस ऑफ सेल्फ हार्म ऑब्जेक्ट्स. अगर उनको तो आसानी से ड्रग मिल जाता है, मेडिसिन घर पे पड़ा है, कोई देखता नहीं है, गन है घर पे या चाकू मिला है या रस्सी मिला है उनको, अदर मीन्स विच आर सेल्फ हार्मिंग, दे कैन बी कमिटिंग सुइसाइड. देन देर इज फियर ऑफ रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन ड्यू टू बींग लेस्बियन. जैसे उनका सेक्सुअल आइडेंटिटी हो गया, मे बी दे आर लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल और एनी अदर सेक्सुअल माइनॉरिटी यूथ, एंड उनको कोई रिजेक्ट करता है और ह्यूमिलिएट करता है जानने के बाद, तो दे कमिट सुइसाइड टू. Children who have attempted suicide in the past
also are at greater risk for committing suicide in future. किसी ने कभी अटेम्प्ट किया था तो वो फ्यूचर में भी कर सकता है फिर से, ये देखने के लिए ज़रूरी होता है कि किस किसी कीमत पे उनको अकेले ना छोड़ा जाए। अगर वो मरने की बात करते हैं या डिस्टर्ब रहते हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। एंड रिस्क सोशल फैक्टर्स के ये सब गए, पर्सनल फैक्टर्स, देर आर ऑल्सो सोशल फैक्टर्स। Give me one second, please. Social factors mein risk jo hota hai, रिस्क इंक्रीजेस विथ एज इन एडोलेसेंस इन मिडिल टू लेट एडोलेसेंस। थोड़े से बड़े हो जाएं तो उनको दिमाग में भी बहुत तरीका आता है, ऐसे मर जाऊं वैसे कर जाऊं, उनको ऐसे थॉट्स आते हैं। फीमेल्स आर मोर लाइकली टू अटेम्प्ट एंड मेल्स आर मोर लाइकली टू सक्सीड। फीमेल्स जो होते हैं वो अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो मेल्स हैं वो अगर अटेम्प्ट करते हैं तो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं मरने में। Partially attributed to the access of guns and other weapons to adolescent males as a tool used, because males जो use करते हैं tools वो sure shot method of dying होता है, जैसे gun हो गया आपका या weapons हो गया, वो जैसे चले गए पेड़ पे चढ़ के वो सब करने के लिए रस्सी डाल के, तो इसीलिए males का success rate ज़्यादा हो जाता है। फिर specific events and anticipation of specific events often seen as having no other solution than suicide. Normally उनको लगता है कि इससे ज़्यादा solution तो मुझे मिलेगा नहीं, मैंने तो try कर लिया कुछ नहीं हो रहा है, अब मरना ही सही है। Common triggers include fear of punishment, loss, abandonment or rejection by an important person. So इसीलिए ये लोग सोशल फैक्टर्स जो है इसीलिए भी सुसाइड करते हैं। कॉमन ट्रिगर्स विल इंक्लूड फियर ऑफ पनिशमेंट, उनको लगता है कि मैं अगर पता चल गया तो सर या मैडम तो मुझे पनिश करेंगे, अबैंडन करेंगे, रिजेक्ट करेंगे मुझे, बाकी बच्चों के सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट कोई पर्सन है उनके लाइफ में उसके सामने ह्यूमिलिएट होना उनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए भी वो सुसाइड कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड टीनेज प्रेगनेंसी के वजह से, फैमिली क्राइसिस है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, बुलिंग, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट और फाइट विद अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर आइदर इन पब्लिक और प्राइवेट एनवायरमेंट, ये सब उनके लिए स्ट्रेसफुल होता है जिसके लिए वो सुसाइड कर सकते हैं। सोशल आइसोलेशन इन अंडर पॉपुलेटेड एरियाज एंड लैक ऑफ एक्सेस टू सोशल सर्विसेज अदर रिसोर्सेज फॉर इमोशनल और मॉरल सपोर्ट, वीक सोशल बॉन्ड्स लाइक ड्यू टू माइग्रेशन, इमिग्रेशन और मोर न्यूक्लियर और स्मॉलर ब्रोकन फैमिलीज, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देर कैन बी attempting suicide. Adolescents from families experiencing significant physical, verbal, emotional or sexual abuse, जहाँ पे ये सब होता है, neglect, severe marital conflict है, recent loss of a parent or imminent death due to illness or divorce है, history of suicide in families demonstrating significant hostility or rejection towards children, जिस families में सेपरेशन हो गया है और बच्चों का कोई केयर करने को है नहीं, उसमें भी ये सिग्निफिकेंट राइज देखा जाता है कि बच्चे सुइसाइड पे उतर आते हैं। कॉपी कैट अटेम्प्ट्स एसोसिएटेड विद अ रिसेंट सुइसाइड इन देयर क्लास, क्लास में किसी ने सुइसाइड किया तो उसको कॉपी करने के लिए देखे कि हम भी कर सकते हैं, मेरा भी तो सिचुएशन उससे भी बुरी है तो मैं क्यों जिंदा रहूं, ऐसे कॉपीकैट अटेम्प्ट एसोसिएटेड विद अ रिसेंट सुसाइड इन द क्लास, स्कूल, फैमिली और इमीडिएट कम्युनिटी एंड एट्रिब्यूटेड टू द न्यूज ऑफ सुसाइड एज बीइंग द
fuse that ignites the self-destructive behavior in already unstable adolescents. जो ऑलरेडी अनस्टेबल है वो सब ये देख के कॉपीकैट सिंड्रोम जो बोलते हैं उसको वो ट्राई कर सकते हैं अपना वो सुसाइड. एडोलेसेंस एंगेज्ड इन एडिक्शन टू अल्कोहल और सब्सटेंस एंड दे हैव अ लो लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड आर इजीली फ्रस्ट्रेटेड मोर लाइकली टू एक्ट इन इंपल्सिव मोड. सो व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड. वार्निंग साइंस क्या होता है, वो कौन सुसाइड करेगा कैसे पता चलेगा, तो उसमें चेंज इन पर्सनालिटी आएगा, चेंज इन बिहेवियर आएगा, चेंज इन स्लीप पैटर्न्स देखेंगे, चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल उनका होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, नो होप फॉर फ्यूचर, जैसे होपलेसनेस फील करते हैं वो. व्हेन देयर इज अ रिसेंट लॉस बिकॉज ऑफ डेथ, Divorce or separation, broken relationship, ये सब reasons होते हैं. Talking or writing about death or dying, I wish I was dead, I won't be a problem for you much longer, ऐसे ऐसे बातें भी करने को सुनने मिलते हैं. ये सब जो बोलते हैं उनको seriously लेने की ज़रूरत होती है. Everyone would be better off without me, मेरे चले जाने से सबको खुशी मिलेगी. I'm going to kill myself, I just want to go to sleep and never wake up. मैं सो जाऊँ, सुबह उठूँ ना, इतना अच्छा होगा ना, ऐसे भी बोलते हैं. I can't take it anymore. This pain will ever be over soon. Nothing matters. ये सब उनको जो 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 बोलते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये suicide भी कर सकता है. Assessment of suicide. Suicide कैसे assess करें, assessment के लिए टूल्स भी होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं. सुइसाइडल थॉट एंड बिहेवियर आर द ग्रेटर प्रेडिक्टर्स ऑफ सुइसाइड. फर्स्ट तो असेसमेंट की कोई मतलब टूल उनको कोई स्क्रीनिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई सुइसाइड के बारे में बोलता है या सोचता है या मेंशन करता है तो दैट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली, ना कि वो वेट करे कुछ करने के लिए. सुइसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर आर द ग्रेटेस्ट प्रेडिक्टर्स ऑफ सुइसाइड. These include frequent thoughts about ending one's life, making plans, rehearsing or preparing for a suicide attempt, attempting suicide. Risk of suicide will be measured by different healthcare providers. जो healthcare providers हैं, वो उसका stages decide करेंगे. एक है suicide risk screening, दूसरा है suicide risk assessment. Suicide screen risk screening जो है, it is a set of questions used to identify whether the adolescent is at risk of suicide, which is administered by a pediatrician or nurse as a part of a standard health assessment. Suicide risk assessment ek hai, ye tool jo hai ye more thorough than a screening and is used to confirm the risk of suicide. It is normally done by a trained mental health professional only, like a psychiatrist, clinical social workers, or clinical psychologist, psychiatric nurses or mental health counselors ही कर सकते हैं ये suicide risk assessment जो होता है. So mental health, any question? So mental health is a significant component of well-being. देखा हमने, we started with well-being of the individuals, those who are adolescents in your school and how to help them in achieving the academic performance. So usi case mein we discussed about the mental health issues that they can be facing. Unko mental health issues bhi ho sakte hain because of the stress that they are going through. Stress kis wajah se? Stress padhai ke wajah se, ghar ke wajah se, career choices ke wajah se aur academic achievement ke wajah se. So us silsile mein mental health is a सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हमने देखा वेलबींग के बारे में जब बात करते हैं. तो बिहेवियरल पैटर्न जो है ये फिजिकल एक्टिविटी, डाइट और ईटिंग हैबिट्स के वजह से आते हैं. क्रॉनिक एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे हो सकते हैं उसके बारे में भी हमने देखा. एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या करेंगे नेक्स्ट, वो भी आपने सुना. वो रिपोर्ट करना चाहिए साइकेट्रिक सोशल वर्कर को, साइकेट्रिस्ट को, मेंटल हेल्थ वर्कर को. आपके स्कूल में जो है स्कूल काउंसलर, उसके थ्रू यू हैव टू गो टू द प्रॉपर चैनल.
anxiety or depression are treatable completely. These are emotional disorders and they can be treated also. The child or adolescent needs to have the illness recognized and diagnosed. That is the only issue. Otherwise, once in a identify ho jaye to usko treatment bhi kiya ja sakta hai. Considering the significance of this stage of development, protecting adolescents from adversities, promoting positive social, emotional and learning, ye sab important ban jata hai. Theek hai, aaj ke liye itna hi. Any questions we will discuss for 10 minutes or anything that you want to discuss? मैडम स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं मिला. कल जैसे मीटिंग हुआ था उसमें बोला गया था कि सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला. अच्छा आपका कोर्स कल जी मैडम कल खत्म होगा आपका तो उसके बाद मिल सकता है. नहीं कल जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था सर के साथ आशीष भुवनेश्वर उन्होंने बोला था कि प्रोवाइड कर देंगे तो ना तो लिंक उन्होंने दिया ना अभी तक मेल भी भेजा. अच्छा और बिना उसके हम लोग कुछ थोड़ा ठीक से समझ नहीं पा रहे कि किधर से क्या कोर्स कैसे चल रहा है. अच्छा ये बुक का सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है. मैं किसी का आप सबको भी कैसे भेजा जाए मैं तो भेज नहीं पाऊंगी. आप याद दिला दो भूल गए होंगे सर. मैं इसके मैम हाँ मैम मैं कल भी पूछा था मैम कि एडोलेंस स्टेज या एडोलेंस एजुकेशन से रिलेटेड कोई बुक्स अगर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो बताइए प्लीज क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें जानना बहुत जरूरी है. ये जो कोर्स करिकुलम जो प्रोवाइड किया गया है उसमें इतना डिटेल नहीं है जस्ट ब्रीफली दिया हुआ है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो ये इससे संबंधित अगर कोई बुक्स है डेवलपमेंटल ये कॉम्बिनेशन है एक्चुअली आपका बुक बहुत अच्छा है क्योंकि आप अगर इसको वो सारी बुक्स को अगर आप उसको मेल में शेयर कर देंगे सभी को तो अच्छा रहेगा नहीं तो फिर ये चैट बॉक्स में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा. मेल भेजेंगे बेंजामिन चैट शेयर कर देंगे तो हम शेयर कर देंगे मैडम. हम लोग हाँ यस यस जो बीएस 61 62 63 64 है उसको कम से कम भेज दीजिए मैडम. बीएस 61 भेज सकते हूँ कैसे भेजूं लेकिन ये तो मुझे याद नहीं है. चैट बॉक्स में मैडम ईमेल दिया हुआ मैंने होगा तो मैं सबको शेयर कर दूंगा. ठीक है एक मिनट. सर असाइनमेंट सभी सबमिट करने जरूरी हैं कि अपनी ट्रेनिंग के टाइम में? मुझे तो लगता है हाँ यस यस असाइनमेंट जमा करना है वर्कशॉप जब हमारी फर्स्ट राउंड में नाम आ गए हैं जैसे और इस टाइम अभी एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन भी होना है रिजल्ट भी देने हैं और अभी वो जिस प्रकार कल का जो मीटिंग हुई थी जो हमारा वर्कशॉप होगा इसका डिसीजन हमारे एनबीएस का को लेना है. इसमें आपका इग्नो का कोई रोल नहीं है और उन जैसा लेटर में कहा गया है कि फर्स्ट जो हमारा जो वर्कशॉप है वो कंपलसरी होगा और बाकी के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया एनालाइज से कि चुनाव के मद्देनजर इसको चेंज किया जाए और फर्स्ट में वो वैसे कैंडिडेट को एग्जेम्प्ट किया गया जिनकी ड्यूटी चुनाव में है ऐसा लेटर में कहा गया. अच्छा सो फर्स्ट में तो मेरा नाम है. मैडम ये चैलेंज है मिसलेंस कैटेगरी टीचर के लिए चैलेंज है एनबीएस ऐसे ही रोल करता है इसलिए मैं नाम है लेकिन चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी है क्या कुछ भी मुझे करना है अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि है ड्यूटी के नहीं है. वो तो अभी आ जाएगी वो तो आ जाएगी तो अभी तो पहले तो शायद लिस्ट फाइनल हो जाएगी ना सर फिर जब तक अभी आप देखिए कि मार्च महीने में बिल वेरिफिकेशन स्टॉक वेरिफिकेशन मिसलेनियस कैटेगरी टीचर के लिए कितना वर्क होता है और फिर इन्होंने ट्रेनिंग भी रखा. ट्रेनिंग तो जुलाई में रखना चाहिए वर्कशॉप को टोटल जुलाई में शिफ्ट कर देना चाहिए था. यस सर वही इशू और फर्स्ट जून इन्होंने बोला एग्जाम में तो 20 जून को तो सर ज्वाइनिंग करनी है जिनका ट्रांसफर हुआ है. सर एक लेटर भेज दीजिए जुलाई में शिफ्ट करने के लिए. जुलाई में शिफ्ट करने के लिए अगर सारे लोग लेटर दे देंगे तो जुलाई में बहुत बेस्ट रहेगा. जिनको अगर जिनका 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 वो भी हुआ है ना ट्रांसफर भी हुआ तो वो भी जुलाई में करेंगे होने की संभावना है सर.
और सर ये जो 1 जून वाला एग्जाम है मतलब कितने कितने डेट शीट आएगी? जी सर, लेकिन मैं बीच में बोलना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे हम लोग इग्नू की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, लेकिन हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तो हमें आरओ से ही लेटर होंगे ना। अगर समिति बताएगी कि आपको अब जाना है या कब जाना है, भले ही हम एक्सेस करे ले रहे डेट और ग्रुप भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन बाकी डिटेल तो आरओ से ही आएगी। अरे दीक्षित सर, जी पटेल साहब बताइए। मैं का 4-5 दिन रुक जाओ, लेटर आने वाला है, ठीक है? समझे नहीं, जैसे सब लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो कह रहे हैं हम इस ग्रुप में हैं, वो कब जाएंगे, अब जाएंगे, लेकिन वो टेंटेटिव है। सुनो सर, वो टेंटेटिव है। कल भी डायरेक्टर साहब ने बताया है कि वो टेंटेटिव है। वो तो आरओ को भेजेंगे ना, आरओ डिसाइड करके भेजेगा हमें। आरओ भोपाल को मालूम है कि चुनाव क्या है, ड्यूटी क्या है। आरओ नहीं, हेडक्वार्टर आप नई डेट से देने वाले हैं कि इस डेट में ट्रेनिंग करानी है, ठीक है ना? 1-4 वाला वर्कशॉप भी पोस्टपोन्ड होने वाला है। हमारे पास अभी तक कोर्स मटेरियल नहीं आया, तो क्या 4 बुक आ रही हैं क्या कि 3 बुक? सर ट्रेनिंग के बाद तो क्या फायदा, जब असाइनमेंट आप कर लेंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे और बुक नहीं आएगी तो क्या फायदा सर? आपके पास सुनो सुनिए सर, बात तो सही है, कोई स्टडी मटेरियल देने को तैयार नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं यहाँ पर। आप एक काम करिए, आपके जो है कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। अरे मैसेज बॉक्स में देखिए, 1 महीना पहले एक मैसेज आया था जिसमें आपका इंडियन पोस्ट वाला उनने आईडी दिया हुआ था ना, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए और उसको ट्रैक करिए कि वो है कहाँ पे। सर दिया ही लेकिन हमारे पास मेल नहीं है, उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं भेजा। मेल नहीं है, वो टेक्स्ट मैसेज आया था सर। सर आप देख लेना हमारा, अगर मिल जाए तो टेक्स्ट मैसेज आपके मोबाइल में आएगा। उनकी ट्रैकिंग में भी सर 0-0 दिखा रहा, सेंड नहीं किया अभी तक। सही बता रहे हैं, ये तो आप बड़ी बातें बोल रहे हैं सर, स्टडी में तो दिक्कत आ रही है ना, अंडर प्रेशर काम करने की बात कर रहे हैं। नहीं तो हमने भी कल रिक्वेस्ट की थी कि भुवनेश्वर वाले तो कम से कम भेज सकते हैं कि हमारे लिस्टेड कैंडिडेट में से इतने लोगों को टेक्स्ट मटेरियल नहीं मिला है, तो भेजे कम से कम, ये रिक्वेस्ट हमने उनसे की थी। कर लेंगे अभी जो जैसे दिया है ना गौरीशंकर सर, अपना मेल आप चेक कीजिए, आप अगर किसी को भेज सकते हो तो सबका मेल है। ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ मैं, जिप फाइल है वो अभी भेज देता हूँ मैं, ठीक है? जिप फाइल में 4 बुक्स हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ, मिल जाए सबको जिसको नहीं मिला। थैंक यू सर, मालूम ही नहीं। आज के लिए इतना ही, खत्म करें। थैंक यू मैडम। मैम मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे ऐड कर दीजिए सर। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, चैट बॉक्स में दिया है, चैट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू मैडम। गौरी शंकर जी आप देख लीजिए सबको जैसे बुक मिले। ओके ओके मैडम, थैंक यू मैडम। गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल, बाय। See you tomorrow. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Bye-bye.